हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ, एसटी जनसंख्या एवं दर्जा। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 3,92,126 है, 3,92,126। इसमें से 1,96,118, 1,96,118 पुरुष हैं व 1,96,008 महिलाएं हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का 5.7% है, एक जो एसटी जनसंख्या है वो राज्य की जनसंख्या का कुल 5.7% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5.7% है एसटी। वर्ष 2003 में पंजाब के साथ लगते राज्यों में रह रहे गद्दी गुज्जर को ट्राइबल घोषित किया गया। ट्राइबल गद्दी को ट्राइबल कब घोषित किया गया? 2003 में। वर्ष 2003 में पंजाब के साथ लगते राज्यों में रह रहे गद्दी गुजरों को ट्राइबल घोषित किया गया। जो लोग पहले ट्राइबल में नहीं आते थे, वर्ष 2003 की अधिसूचना के बाद उन्हें ट्राइबल घोषित किया गया। यही कारण है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है। कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू जिला में ट्राइबल की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में गिरिपार के हाटी, सिरमौर जिला के जो लोग हैं एवं डोडरा क्वार क्षेत्र को भी ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने की मांग उठ रही है। तो वर्तमान में कहा कि गिरिपार के हाटी सिरमौर जिला के लोग व डोडरा क्वार क्षेत्र को भी ट्राइबल घोषित करने की मांग उठ रही है। फिर है हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में हैं जो वर्तमान में हैं, वह है गद्दी, गुज्जर, किन्नर, लाहौला, स्वांगला, पंगवाल, जाड़ और खंपा। कौन कौन सी है हमारी प्रमुख जनजातियाँ? गद्दी, गुज्जर, किन्नर, लाहौला, स्वांगला, पंगवाल, जाड़, खंपा। वर्ष 1950 में केंद्र द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित की गई है। वर्ष 1976 में बहुत सारे समुदायों पर लागू क्षेत्र प्रतिबंध हटा दिए गए ताकि संपूर्ण राज्य के संबंध में एसटी को विनिर्देशित किया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय को इसके बाद 139 मामले प्राप्त हुए हैं जिसे सही पाया गया। इस निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश के बेड़ा गद्दी गुज्जर समुदाय को एसटी में शामिल किया गया। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 342(1) के अंतर्गत इन्हें एसटी के रूप में अधिसूचित किया गया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एसटी दर्जे के इच्छुक समुदाय की जीवन शैली और संस्कृति का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपता है। जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एसटी दर्जे के जो इच्छुक समुदाय हैं उनकी जीवन शैली और संस्कृति का अध्ययन करके अंतिम रिपोर्ट रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपता है। इस रिपोर्ट के साथ विधानसभा का जो प्रस्ताव भी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया को उपलब्ध करवाया जाता है, जिसके बाद मामले को पूर्ण जांच के बाद रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अपना सुझाव देते हैं। जनजातीय मंत्रालय के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास इसे अंतिम अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब आयोग से अनुमोदन के पश्चात यह मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाता है, जिसमें अनुमोदन के बाद समुदाय को एसटी दर्जे की अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह से गजट में जो सूचना अधिसूचना वो प्रकाशित की जाती है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति का इतिहास, संस्कृति, आर्थिकी एवं सामाजिक स्थिति। तो पहले गद्दी जनजाति के बारे में देखते हैं। इतिहास, गद्दी चंबा से भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं। तो जो गद्दी चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी हैं वैसे ये लोग धौलाधार की उपत्यकाओं में बसते हैं। इतिहासकार गद्दियों को मुस्लिम आक्रमण
आक्रमणों के कारण पहाड़ी की ओर भागकर आने वाले खत्री जाति के लोग मानते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमणों के कारण पहाड़ों की ओर भागकर आने वाले खत्री जाति के लोग हैं वो गद्दी हैं, ऐसा मानते हैं। परंतु यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। यह तो संभव है कि मैदानों से खत्री जाति के लोग आकर गद्दी जाति का अंग बन गए हों, परंतु वास्तविक गद्दी लोग अति प्राचीन और हिमाचल के मूल निवासियों में से हैं। यह बात गद्दियों के परंपरागत विशिष्ट पहनावे से प्रमाणित हो जाती है। वैसे पाणिनि के अष्टाध्याय में गद्दी और गब्दी का प्रदेश का वर्णन आया है जिसका अभ्रंश रूप गद्दी है। कुछ इतिहासकार का यह भी मानना है कि गद्दी मध्यकालीन भारत के राजवंशों के राजपूतों के वंशज हैं। जब मुगल व अन्य आक्रमणकारियों ने उत्तरी भारतीयों पर आक्रमण किया तो कुछ राजपूत अपने परिवारों के साथ इस दुर्गम इलाकों में चले गए और पुरुष लोग पुनः लड़ने के लिए मैदानों में चले गए। वे युद्ध में मारे गए। कुछ इंतजार के उपरांत उनकी स्त्रियों ने अपने नौकरों से विवाह कर लिया और उन्हीं की संतान क्या है, गद्दी है, ऐसा माना जाता है। अब देखते हैं हम कि गद्दियों का समाज, संस्कृति और आर्थिकी कैसी है। तो समाज गद्दी लोग भेड़ बकरियां पालने का मुख्य व्यवसाय करते हैं। सर्दियों में ये ठंडे इलाके छोड़कर निम्न क्षेत्रों में अपनी अपने पशुओं समेत आ जाते हैं और गर्मी पड़ने पर ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। गद्दी स्त्री, पुरुष, बालक सभी कमर में काले रंग का ऊनी रस्सा जिसे डोरा कहा जाता है बांधे रहते हैं। गद्दी स्त्री ऊन कातती है जबकि पुरुष उसे बुनने का काम करता है। भरमौर की कुछ गांवों में अखरोट की लकड़ी से बर्तन बनाने की दस्तकारी लोकप्रिय है। बोला गया कि भरमौर के कुछ गांवों में अखरोट की लकड़ी से बर्तन बनाने की दस्तकारी लोकप्रिय है। गद्दी लोग भेड़ चराने वाली जनजाति है। गद्दी राजपूत लाहौर और गद्दी ब्राह्मण दिल्ली से भरमौर आकर बसे थे। गद्दी राजपूत लाहौर से और जो गद्दी ब्राह्मण है, गद्दी ब्राह्मण दिल्ली से और गद्दी राजपूत लाहौर से भरमौर आकर बसे थे। गद्दियों की औरतों की को गद्देन कहा जाता है। वह चांदी के आभूषण अधिक पहनती हैं। राजा संसारचंद ने नौखून अमक गद्दी सुंदरी को अपनी रानी बनाया था। चोला और डोरा गद्दी पहनावे का मुख्य अंग है। गद्दी परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक परिवार है। गद्दी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं परंतु धीरे धीरे यह व्यवस्था एकांकी परिवार में परिवर्तित हो रही है। इसके बाद है धार्मिक आस्था और संपत्ति बंटवारा कैसे होता है गद्दियों में। तो बोला गया है कि गद्दी लोग शिव की पुजारी हैं। शिव को वह अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं। गद्दी क्षेत्र गद्रेण को शिव भूमि भी कहा जाता है। भरमौर के 84 मंदिरों के अधिकांश मूर्तियां शिवलिंग के रूप में विराजमान है। गद्दी लोग केलांग देवता, दराती देवता, गद्दी लोग केलांग देवता या दराती देवता की पूजा रविवार को करते हैं। गद्दी लोग केलांग देवता या दराती देवता, गद्दी लोग किसकी पूजा, केलांग देवता या फिर दराती देवता की पूजा रविवार को करते हैं। गुग्गा पशु रक्षक देवता की पूजा भी सर्पों के राजा के तौर पर की जाती है। गुग्गा जो पशु रक्षक होते हैं, देवता की पूजा भी सर्पों के राजा के तौर पर की जाती है। बुरी आत्मा या डायनों के प्रभाव को कम करने वाली व्यक्ति को चेला कहते हैं। बुरी आत्मा या डायनों के प्रभाव को कम करने वाले व्यक्ति को चेला कहते हैं। गद्दी समाज में पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण मुड्डाबाद, मुंडाबाद तथा बोला गया चूड़ाबाद प्रथा के आधार पर होता है। मुंडाबाद या चुंडाबाद, चुंडाबाद या मुंडाबाद दोनों के आधार पर होता है। मुंडाबाद में पिता की संपत्ति का बंटवारा मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में समान रूप से होता है।
परंतु चुंडावाद में यदि उस व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हैं तो ऐसी दशा में बंटवारा पहले पत्नियों में फिर उसकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में होता है। अनैतिक संबंधों से जन्मे बच्चे हलद और शकंड कहलाते हैं। अनैतिक संबंधों से जो उत्पन्न बच्चे उनको क्या बोलते हैं, हलद या शकंड। इसके बाद है गद्यों का विवाह, तो बोला गया है कि गद्दी लोग में धर्मपुन, कन्यादान विवाह, बट्टा सट्टा लड़के की बहन की शादी, उसकी पत्नी के भाई के साथ विवाह मतलब बट्टा सट्टा विवाह, और गुड़ानी विधवा विवाह, दूसरे भाई से जो होता है उसको बोलते हैं गुड़ानी। गुड़ानी विवाह मतलब विधवा विवाह दूसरे भाई से, गुड़ानी विवाह। और घर जमाई या कामश विवाह, घर जमाई या कामश विवाह, 7 वर्ष लड़की के घर रहकर कार्य करता है लड़का इसमें, तो घर जमाई या कामश विवाह। और खेवट विवाह एक प्रकार का रीत विवाह प्रचलित है। खेवट विवाह क्या है, गद्यों का एक प्रकार का रीत विवाह है। तो गद्दी लोगों में कौन सा, धर्मपूर्ण विवाह है। धर्मपूर्ण विवाह क्या होता है, कन्यादान विवाह। धर्मपूर्ण विवाह गद्यों का विवाह है, पहला धर्मपूर्ण कन्यादान विवाह। फिर बट्टा सट्टा विवाह है जिसमें लड़की की बहन की शादी उसकी पत्नी के भाई के साथ होती है, ये बट्टा सट्टा विवाह। फिर उसके बाद है गुड़ानी विवाह। गुड़ानी विवाह क्या है, विधवा विवाह दूसरे भाई से। गुड़ानी विवाह विधवा विवाह दूसरे भाई से, गद्यों का गुड़ानी विवाह विधवा विवाह दूसरे भाई से। फिर घर जमाई या कामश विवाह, घर जमाई या फिर कामश विवाह जो कि क्या है, 7 वर्ष लड़की के घर रहकर कार्य करता है। फिर एक खेवट विवाह, खेवट विवाह क्या है, खेवट विवाह एक प्रकार का रीत विवाह है। खेवट विवाह एक प्रकार का रीत विवाह है, खेवट विवाह एक प्रकार का रीत विवाह है। ये सारे के सारे विवाह गद्यों में प्रचलित हैं। फिर है गद्यों का मिंजर, मणिमहेश यात्रा, शिवरात्रि, सितंबर में सैर या पतरोड़ू संक्रांति प्रमुख त्योहार है। जाति प्रथा, गद्दी समुदाय में राजपूत जिनको कहाँ से, लाहौर से आया माना जाता है, ब्राह्मण जिनको दिल्ली से आया माना जाता है, खत्री, राठी, रहेड़ा आदि जातियां सम्मिलित हैं। तो गद्दी समुदाय में राजपूत, ब्राह्मण, खत्री, राठी और रहेड़ा आदि जातियां सम्मिलित हैं, जिनमें से ब्राह्मण, खत्री, राठी और राजपूत एवं राजपूत उच्च जातियां हैं, जिनमें से ब्राह्मण, खत्री, राठी और राजपूत, ब्राह्मण, खत्री, राठी, राजपूत, ब्राह्मण, खत्री, राठी और राजपूत क्या है, उच्च जाति है, जबकि सिप्पी, रहेड़ा, कोली, हाली, डूम निम्न वर्गीय जातियों में आती हैं। सिप्पी, रहेड़ा, कोली, हाली, डूम निम्न वर्गीय जातियों में आती है। गद्दी लोग वर्ष में आधा जीवन चलवासी चरवाहों के रूप में तथा तो आधा जीवन कृषक के रूप में व्यतीत करते हैं। फिर आर्थिकी, गद्दी लोग एक पशु चरावा समुदाय हैं जो अर्ध चलवासी सेमी नॉर्मेडिक है तथा अर्ध कृषक हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। भेड़ बकरियां इनका प्रमुख पशुधन है। ये लोग भेड़ बकरियों के पालन के अतिरिक्त ऊन की कताई बुनाई, चांदी की कढ़ाई, आभूषण बनाना और लोहे का सामान तैयार करने एवं व्यापार आदि गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये ऊनी उत्पादों जैसे कंबल, शॉल और जुराबे आदि का व्यापार भी करते हैं। मक्का, गेहूं, जौ, राजमा, आलू इनकी मुख्य फसलें हैं। मक्का, गेहूं, जौ, राजमा, आलू इनकी मुख्य फसलें हैं। वर्तमान में भरमौर में सेब का उत्पादन भी नगदी फसल के रूप में किया जाता है। वर्तमान में भरमौर में सेब का उत्पादन भी नगदी फसल के रूप में किया जाता है। जड़ी बूटियों, बादाम, अखरोट, खुमानी आदि से भी ये लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चलवासी जीवन के दौरान भेड़ बकरियों की खाल से बना खलड़ू थैला आवश्यक वस्तुओं को रखने में काम आता है। खलड़ू क्या, थैला है जो आवश्यक वस्तुओं को रखने में काम आता है। इसके बाद है किन्नर जनजाति। किन्नर जनजाति का परिचय, समाज, संस्कृति एवं आर्थिकी परिचय। किन्नर या किनोरा, वर्तमान किन्नौर निवासियों को कहते हैं। किन्नर शब्द संस्कृति के दो शब्दों किम धन नरह से बना है, जिसका
शाब्दिक अर्थ है ये कैसे नर हैं। ऋग्वेद, महाभारत व अन्य भारतीय वाङ्मय से किन्नरों का वर्णन यक्षों और गंधर्वों के साथ आता है। अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करते समय हिमालय में किन्नर मिले थे। अर्जुन को अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की रक्षा करते समय हिमालय में किन्नर मिले थे। किन्नर युद्ध हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी हैं। किन्नर क्या है? हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी हैं। इन्हें नेगी कहकर भी पुकारा जाता है, जो एक सम्मान सूचक संबोधन है। किन्नर हिंदू और बौद्ध धर्मों के अनुयायी हैं। इन्हें नेगी कहकर भी पुकारा जाता है, जो एक सम्मान सूचक संबोधन है। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बुलाते हैं। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बुलाते हैं। जो तिब्बती लोग हैं वो किन्नौर को खुन्नू बुलाते हैं। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बुलाते हैं। जो तिब्बती लोग हैं वो किन्नौर को क्या बुलाते हैं? खुन्नू। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बुलाते हैं। 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 लेह लद्दाख में किन्नौर को माओ कहा जाता है। लेह लद्दाख में किन्नौर को क्या कहा जाता है? माओ कहा जाता है। लेह लद्दाख में किन्नौर को माओ कहा जाता है। वायु पुराण में किन्नर लोगों को महंद पर्वत का निवासी कहा गया है। पांडवों ने किन्नौर क्षेत्र में अपना अज्ञातवास काटा था। तो तिब्बती जो लोग हैं, तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बोलते हैं। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बोलते हैं। तिब्बती लोग किन्नौर को खुन्नू बोलते हैं। तिब्बती लोग क्या करते हैं? किन्नौर को खुन्नू बोलते हैं। और जो लेह लद्दाख में किन्नौर को क्या बोला जाता है? माओ बोला जाता है। लेह लद्दाख में माओ और तिब्बत में बोला जाता है खुन्नू। तिब्बत में किन्नौर को खुन्नू बोलते हैं और लेह लद्दाख में माओ माओ। लेह लद्दाख में क्या बोलते हैं? माओ बोला जाता है। किन्नौर को माओ कहा जाता है। तिब्बती लोग बोलते हैं किन्नौर को खुन्नू और लेह लद्दाख के लोग किन्नौर को क्या बोलते हैं? माओ। लेह लद्दाख के लोग किन्नौर को माओ बोलते हैं। लेह लद्दाख के लोग किन्नौर को माओ बोलते हैं। लेह लद्दाख के लोग किन्नौर को माओ बोलते हैं। लेह लद्दाख के लोग किन्नौर को माओ बोलते हैं और तिब्बती लोग खुन्नू बोलते हैं। फिर उसके बाद बोला कि वायु पुराण में भी किन्नर लोग को, वायु पुराण में बोला गया महंत पर्वत के निवासी, वायु पुराण में किन्नर लोगों को महंत पर्वत का वासी कहा गया है। पांडवों ने किन्नौर क्षेत्र में अपना अज्ञातवास काटा था। अब है समाज एवं संस्कृति। किन्नौर तो पूरी तरह अब्राह्मण्य धरती है। किन्नौर तो पूरी तरह अब्राह्मण्य धरती है। यहाँ ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। किन्नौर में ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। किन्नौर में ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। किन्नौर में ब्राह्मणों का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ नेगी, ठाकुर, हाली, हेसी, सिप्पी, बाड़ी, चनाल, डोम, खश, कनैत, पुहाल, भेड़पालक, अश्वपालक लोग रहते हैं। तिब्बत में जाति भेद या वर्ण भेद नहीं है। तिब्बत में जाति भेद या वर्ण भेद नहीं है, जबकि किन्नरों में यह मौजूद है। तिब्बत में बोला गया, तिब्बत में जाति भेद या वर्ण भेद नहीं है। तिब्बत में जाति भेद या वर्ण भेद नहीं है, पर क्या, जबकि क्या है, किन्नौर में यह मौजूद है। यहाँ बहुपति प्रथा प्रचलित है। यहाँ बहुपति प्रथा प्रचलित है। किन्नौर में बहुपति प्रथा प्रचलित है। किन्नौर जनजाति में खसिया और चमांग वर्ग आते हैं, जिसमें खसिया का संबंध कन्नैत राजपूतों से है, जबकि चमांग कोली के अंतर्गत आते हैं। किन्नौरी जाति में, जो किन्नौर जाति जनजाति है, किन्नौर जनजाति में खसिया और चमांग वर्ग आते हैं। किन्नौर जनजाति में खसिया और चमांग वर्ग आते हैं। किन्नौर जनजाति में खसिया और चमांग वर्ग आते हैं, जिनमें खसिया का संबंध कन्नैत राजपूतों से है, जिसमें खसिया का संबंध किससे है? कन्नैत राजपूतों से है, जबकि चमांग कोली के अंतर्गत आते हैं। जबकि चमांग कोली के अंतर्गत आते हैं। किन्नरों की स्वतंत्र भाषा है, जिसे होमस्कंद भी कहा जाता है। तो किन्नौर जो जनजाति है, उसमें खसिया और चमांग आते हैं, खसिया और चमांग वर्ग आते हैं। किन्नौर जनजाति में खसिया का संबंध कन्नैत राजपूतों से, जबकि चमांग का कोली के अंतर्गत आते हैं। किन्नौर की स्वतंत्र भाषा है, जिसमें होमस्कंद भी कहा जाता है। किन्नौर के उत्तरी क्षेत्रों में भोटी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। तो किन्नौर के जो उत्तरी क्षेत्र है, उसमें भोटी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। किन्नौर के उत्तरी क्षेत्र में भोटी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। किन्नौर के उत्तरी क्षेत्र में भोटी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है।
किन्नौर के उत्तरी क्षेत्र में भोटी भाषा, ऊपरी जो क्षेत्र है उसमें भोटी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। किन्नर लोग मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है, जिसमें आर्यन, द्रविड़ और मध्य एशिया की प्रजातियों के सम्मिश्रण भी दृष्टिगोचर होते हैं। तो किन्नर जो लोग हैं वो मंगोलाइड मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। किन्नौरी जो लोग हैं, किन्नौर के लोग मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। किन्नौर लोग मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। किन्नौर के जो लोग हैं, किन्नर लोग मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। किससे? मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। किन्नर लोग मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है, जिसमें आर्यन, द्रविड़ और मध्य एशिया की प्रजातियां भी के सम्मिश्रण भी दृष्टिगोचर होते हैं। जिनमें क्या है? आर्यन, द्रविड़ और मध्य एशिया। आर्यन, द्रविड़ और मध्य एशिया, आर्यन, द्रविड़ और मध्य एशिया के सम्मिश्रण, जो आर्यन, द्रविड़ और मध्य एशिया की प्रजातियों के सम्मिश्रण भी दृष्टिगोचर होते हैं। किसमें? जो किन्नौर लोग हैं, जिनको मंगोलियाई प्रजाति से संबंधित बोला जाता है। फिर है किन्नौर के कानम गांव में के निम्नवर्ती भाग के लोग हिंदू तथा उपरवर्ती भाग के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किन्नौर के कानम गांव के निम्नवर्ती भाग के लोग हिंदू तथा उपवर्ती भाग के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बोला गया कि किन्नौर के कनाम गांव के निम्नवर्ती भाग के लोग हिंदू धर्म और उपवर्ती भाग के लोग जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यह संपत्ति का बंटवारा जिठांग और कनिषांग प्रथा से होता है। जो किन्नर हैं उसमें संपत्ति का बंटवारा किस होता है? जिठांग और कनिषांग प्रथा से। जेठांग और कनिषांग प्रथा से संपत्ति का बंटवारा होता है। किसमें? किन्नरों में। किन्नरों में जेठांग और कनिषांग प्रथा से संपत्ति का बंटवारा होता है। किन्नरों में जेठांग और कनिषांग किन्नरों में संपत्ति का बंटवारा किससे होता है? जेठांग और कनिषांग से। किन्नरों में संपत्ति का बंटवारा जेठांग और कनिषांग प्रथा से होता है। किन्नरों में संपत्ति का बंटवारा जेठांग और कनिषांग प्रथा से होता है। जाति प्रथा, राजपूत जाति जिन्हें कनैत खश कहा जाता है, यहाँ की उच्च जाति है। राजपूतों के बाद कोली जाति के लोग हस्तशिल्प, बुनना व चमड़े का कार्य करते हैं। तो जाति प्रथा में बोला गया है कि जो राजपूत जाति जिन्हें कनैत और खश कहा जाता है, यहाँ की उच्च जाति है। राजपूत जाति जिन्हें कनैत और खश कहा जाता है, यहाँ की उच्च जाति है। राजपूतों के बाद कोली जाति के लोग हस्तशिल्प, बुनना व चमड़े का कार्य करते हैं। खेती करने वाले कोली जाति के लोगों को हाली के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ की जाति प्रथा में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ की जाति प्रथा में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। खेती करने वाले लोग जो वाले हैं वो कोली जाति के लोगों को हाली के नाम से पुकारा जाता है। खेती करने वाले जो कोली जाति के लोगों को हाली के नाम से पुकारा जाता है। राजपूत जाति जिन्हें कनैत या खश कहा जाता है, यहाँ की उच्च जाति है। राजपूत जाति जिन्हें कनैत और खश कहा जाता है, यहाँ की उच्च जाति है। राजपूत जाति जिन्हें कनैत और खश कहा जाता है, यहाँ की उच्च जाति है। राजपूतों के बाद कोली जाति के लोग हस्तशिल्प, बुनना व चमड़े का कार्य करते हैं। खेती करने वाले लोग कोली जाति के लोग को हाली के नाम से पुकारा जाता है। हाली के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ की जाति प्रथा में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ की जाति प्रथा में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ बाय नाना प्रथा प्रचलित है। बोला गया है कि किन्नौर में जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बाय नाना प्रथा प्रचलित है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बाय नाना प्रथा प्रचलित है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बाय नाना प्रथा प्रचलित है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बाय नाना प्रथा प्रचलित है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बाय नाना प्रथा प्रचलित है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बायनाना प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार राजपूत, कोली, लोहार, नागलू सभी जातियों में पारस्परिक सहायता की व्यवस्था होती है। जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर बायनाना प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार राजपूत, कोली, लोहार, नागलू सभी जातियों में पारस्परिक सहायता की व्यवस्था होती है। तो जजमानी प्रथा की तरह यहाँ पर कौन सी प्रथा है? बायनाना प्रथा प्रचलित है। बायनाना प्रथा प्रचलित है। बायनाना प्रथा जो है वो प्रचलित है।
और बोला गया है कि इस प्रथा के अनुसार राजपूत, कोली, लोहार, नागलू सभी जातियों में पारस्परिक या पारंपरिक सहायता की व्यवस्था होती है। विवाह तो प्रेम विवाह कौन से हैं, किन्नर में दमचल शीश, बेनंग हचीश और दमटंग शीश और भूशीश। बोला गया है कि विवाह प्रेम विवाह हैं जो वो हैं दमचल शीश, बेनंग बेनंग हचीश, बेनंग हचीश और डमटंग शीश, डमटंग शीश और बुशीश, डमटंग शीश और बुशीश। तो किन्नर लोगों में किन्नौर के लोगों के प्रेम विवाह हैं दमचल शीश, बेनंग हचीश, बेनंग हचीश, बेनंग हचीश और डमटंग शीश, डमटंग शीश, डमटंग शीश और बुशीश, और बुशीश। प्रेम विवाह है किन्नौर के दमचल शीश, बेनंग हचीश, डमटंग शीश और बुशीश। फिर है किन्नौर के जबरन विवाह, दरोश, डुबडुब, आचीश, हुशीश और न्यामशा डिपांग। जबरन विवाह है किन्नौर के कौन कौन से, दरोश, डुबडुब, आचीश, हुचीश, न्यामशा डिपांग। किन्नौर के जबरन विवाह है दरोश, डुबडुब, आचीश, हुचीश और न्यामशा डिपांग। किन्नौर के प्रेम विवाह कौन से हैं, दमचल शीश और बेनंग हचीश, बेनंग हाचीश, डमटंग शीश, डमटंग शीश और बुशीश। किन्नौर के प्रेम विवाह हैं दमचल शीश, बेनंग हचीश, डमटंग शीश और बुशीश। किन्नौर के प्रेम विवाह हैं दमचल शीश, बेनंग हचीश, डमटंग शीश और बुशीश। प्रेम विवाह हैं किन्नौर के दमचल शीश, बेनंग हचीश, डमटंग शीश और बुशीश। किन्नौर के जो प्रेम विवाह कौन कौन से हैं, दमचल शीश, बेनंग हचीश, डमटंग शीश और बुशीश। और किन्नौर के जो जबरन विवाह कौन से, दरोश, डुबडुब, आचीश, हुचीश और न्यामशा डिपांग। किन्नौर के जबरन विवाह कौन से, दरोश, डुबडुब, आचीश, हुचीश और न्यामशा डिपांग। किन्नौर के जबरन विवाह कौन से, दरोश, डुबडुब, आचीश, हुचीश, न्यामशा डिपांग। इसके बाद देखते हैं किन्नौर के सामान्य विवाह कौन सा, जनेटांग या जनेकांग, जनेटांग या फिर जनेकांग के हैं। किन्नौर के सामान्य विवाह है जनेटांग या जनेकांग, जनेटांग या जनेकांग के। किन्नौर के सामान्य विवाह है जनेटांग या जनेकांग, जनेटांग या जनेकांग के। किन्नौर के सामान्य विवाह है जनेटांग या जनेकांग। तलाक है थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। तलाक को क्या बोलते हैं, थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग, थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है तलाक को। तलाक को थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। किन्नौर में तलाक को क्या बोलते हैं, थाग चोचा अथवा शिंग टाग टाग। तलाक को थाग चोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। किन्नौर में तलाक को थाग चोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। किन्नौर में तलाक को थाग चोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। त्योहार लोसर नववर्ष का, फागुली, चैत्राल, फुलेज। किन्नौर के त्योहार कौन से हैं, लोसर नववर्ष को लोसर, फागुली, चैत्राल, फुलेज। किन्नौर में तलाक को क्या बोलते हैं, थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग, थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग। तलाक को किन्नौर में थाग जोचा, तलाक को किन्नौर में थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। किन्नौर में तलाक को थाग जोचा अथवा शिंग टाग टाग कहा जाता है। फिर बोला त्योहार कौन से हैं, लोसर मतलब नववर्ष का, फागुली, चैत्राल और फुलेज। लोसर नववर्ष का, फागुली, चैत्राल और फुलेज हैं। मृत्यु संस्कार कौन से हैं, डुम्बत, फुंकत और भंकत। आभूषण या पोशाक क्या है किन्नौरों की, किन्नौरी लोगों की, तो आभूषण और पोशाक है थेपांग। थेपांग क्या है, किन्नौरी टोपी। थेपांग क्या है, किन्नौरी टोपी को क्या बोलते हैं, थेपांग। किन्नौरी टोपी को क्या बोलते हैं, थेपांग। किन्नौरी टोपी को बोलते हैं थेपांग। किन्नौरी टोपी को क्या बोलते हैं, थेपांग बोला गया। किन्नौरी टोपी को क्या बोला गया, थेपांग। किन्नौरी टोपी को थेपांग बोला गया है। ये आभूषण और पोशाक में है। फिर है छुब्बा, लंबा कोट है छुब्बा, छुब्बा बोलते हैं लंबा कोट को,
छुबा क्या है? किन्नौर में पहना जाने वाला लंबा कोट। छुबा है किन्नौर में पहने जाने वाला लंबा कोट। और यंगलक क्या है? गर्म ऊनी शॉल। यंगलक है, यंगलक गर्म ऊनी शॉल। यंगलक है गर्म ऊनी शॉल। यंगलक गर्म ऊनी शॉल को बोलते हैं यंगलक। यंगलक गर्म ऊनी शॉल को। आभूषण और पोशाक, किन्नौर की आभूषण और पोशाक है। किन्नौर की टोपी को बोला जाता है थेपांग। किन्नौरी टोपी को बोला जाता है थेपांग। किन्नौर के लंबे कोट को बोला जाता है छुबा। किन्नौर के लंबे कोट को क्या बोलते हैं? छुबा बोलते हैं। किन्नौरी लंबे कोट को बोलते हैं छुबा। और गर्म ऊनी शॉल को बोलते हैं यंगलाक। किन्नौर में गर्म ऊनी शॉल को बोलते हैं यंगलाक। किन्नौरी गर्म ऊनी शॉल को बोलते हैं यंगलाक। फिर है धर्म। बौद्ध धर्म में सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का केंद्र गोम्पा या लंबरंग होते हैं, जिसका मुख्य लामा होता है। बौद्ध धर्म के सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का केंद्र गोम्पा या लंबरंग होते हैं, जिसका मुख्य लामा होता है। तो बौद्ध धर्म में सभी प्रकार की जो धार्मिक क्रिया होती है उनका केंद्र क्या है? गोम्पा या लंबरंग। गोम्पा या लंबरंग। गोम्पा या लंबरंग। गोम्पा या लंबरंग क्या है? धार्मिक क्रियाओं का केंद्र। बौद्ध धर्म की धार्मिक क्रियाओं का केंद्र गोम्पा या लंबरंग होता है, जिसका मुख्य लामा होता है। किन्नौर में प्रत्येक देवी को गौहरी के नाम से पुकारा जाता है। किन्नौर में प्रत्येक देवी को गौहरी के नाम से पुकारा जाता है। किन्नौर में प्रत्येक देवी को गौहरी के नाम से पुकारा जाता है। किन्नौर में प्रत्येक देवी को गौहरी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ हिंदू धर्म के उपासक प्रमुख देवता महेश्वर, चंद्रिका, बद्री नारायण और डाबला है। तो यहाँ बोला गया हिंदू धर्म के उपासक प्रमुख देवता। हिंदू धर्म के उपासक प्रमुख देवता कौन है? महेश्वर, चंद्रिका, बद्री नारायण और डाबला। बोला गया यहाँ हिंदू धर्म के उपासक प्रमुख देवता कौन है? महेश्वर, चंद्रिका, बद्री नारायण और डाबला है। फिर बोला सराहन बाणासुर की राजधानी थी। सराहन जो है बाणासुर की राजधानी थी। किन्नौर में कैलाश पर्वत है जिसे रालडांग कहते हैं। किन्नौर में कैलाश पर्वत है जिसे रालडांग कहते हैं। किन्नौर में जो कैलाश पर्वत है उसको रालडांग कहते हैं। किन्नौर में कैलाश पर्वत है जिसे रालडांग कहते हैं। किन्नौर के जो कैलाश पर्वत है उसे क्या बोलते हैं? रालडांग कहते हैं। किन्नौर में कैलाश पर्वत को रालडांग कहते हैं। फिर है किन्नर सामुदायिक सभा। किन्नर सामुदायिक सभा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली इस संस्था को चार भाई कहते हैं। जो किन्नर सामुदायिक सभा है तो बोला गया समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली इस संस्था को चार भाई कहते हैं, जिसमें हालमंदी तथा टोकनिया होते हैं। जिसमें हालमंदी, जिसमें हालमंदी तथा टोकनिया, हालमंदी तथा टोकनिया हैं होते हैं। इनमें एक मुखिया राजपूत परिवार से होता है, जबकि हालमंदी एवं टोकनिया कोली समाज के लोग होते हैं। हालमंदी और टोकनिया होते हैं इसमें, और जो इसमें मुखिया राजपूत परिवार से होता है, जबकि हालमंदी एवं टोकनिया कोली समाज के होते हैं। फिर बोला है अपहरण, विवाह या तलाक के लिए इज्जत धन जुर्माना देना पड़ता है। बोले अपहरण विवाह के लिए, अपहरण विवाह या तलाक के लिए इज्जत यानी धन जुर्माना देना पड़ता है। किसी को संपत्ति हड़पने पर, टीचिंग मीचिंग देवता बुलाने पर, न जाने पर शेपटा दंड व जुर्माना देना पड़ता है। तो बोला किन्नर सामुदायिक सभा समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली इस संस्था को चार भाई कहते हैं। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था को चार भाई कहते हैं, जिसमें हालमंदी और टोकनिया होते हैं। हालमंदी एवं तथा टोकनिया होते हैं। इनमें एक मुखिया राजपूत परिवार से होता है, जबकि हालमंदी एवं टोकनिया कोली समाज के लोग होते हैं। तो बोला क्या है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली इस संस्था को, कौन सी संस्था? किन्नर सामुदायिक सभा। किन्नर सामुदायिक सभा को क्या बोला होता है? चार भाई कहते हैं, जिसमें हालमंदी और टोकनिया होते हैं। चार भाई में क्या होते हैं? हालमंदी और टोकनिया होते हैं। इस जो संस्था है इसका प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है, राजपूत परिवार से होता है, जबकि जो हालमंदी और टोकनिया है वो कोली समाज के होते हैं। फिर बोला है अपहरण विवाह या तलाक के लिए इज्जत धन जुर्माना देना पड़ता है। बोला है कि अपहरण विवाह या तलाक के लिए इज्जत धन जुर्माना देना पड़ता है। जो
बोला गया है कि अपहरण विवाह के लिए, या फिर अपहरण विवाह या फिर तलाक के लिए इज्जत धन जुर्माना देना पड़ता है। अपहरण विवाह या तलाक के लिए इज्जत धन जुर्माना देना पड़ता है। किसी की संपत्ति हड़पने पर टीचिंग मीचिंग, किसी की संपत्ति हड़पने पर टीचिंग मीचिंग, किसी की संपत्ति हड़पने पर टीचिंग मीचिंग, और देवता बुलाने पर न जाने पर शेपटा दंड। देवता बुलाने पर न जाने पर शेपटा दंड व जुर्माना देना पड़ता है। तो बोला है कि जो अपहरण विवाह या तलाक के लिए क्या देना पड़ता है, इज्जत धन देना पड़ेगा, जुर्माना, इज्जत धन देना पड़ेगा जुर्माना के रूप में। फिर बोला जबकि संपत्ति हड़पने पर क्या देना पड़ता है, टीचिंग मीचिंग, दंड के रूप में टीचिंग मीचिंग देना पड़ता है। टीचिंग मीचिंग जब प्रॉपर्टी हड़पते हैं, संपत्ति हड़पते हैं, तब टीचिंग मीचिंग देना पड़ता है। और अगर देवता बुलाने पर ना जाए तो कौन सा दंड दिया जाता है, शेपटा, शेपटा दंड दिया जाता है, शेपटा दंड व जुर्माना देना पड़ता है। नृत्य हैं कियांग बाक्यांग ब्यांगछू, नृत्य क्या है, कियांग बाक्यांग और ब्यांगछू, नृत्य हैं कियांग बाक्यांग और ब्यांगछू, कियांग बाक्यांग और ब्यांगछू है नृत्य। किन्नौर में नृत्य के प्रकार क्या हैं, कियांग बाक्यांग एवं ब्यांगछू। फिर है आर्थिकी, आर्थिकी में है किन्नौर लोग प्रमुख रूप से पशुपालक कबीले के हैं और कृषि और पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है। भेड़ बकरियों का पालन तथा ऊन निकालना इनका प्रमुख धंधा है। ये लोग ऋतु अनुसार भेड़ बकरियों के साथ प्रवास करते हैं। कृषि और बागवानी से भी ये लोग आजीविका प्राप्त करते हैं। सेब के उत्पादन से किन्नौरी जनजाति के लोग भारी मात्रा में लाभ प्राप्त करते हैं। सेब, कागजी बादाम, नियोजा, सूखी खुमानी का उत्पादन यहाँ बड़ी मात्रा में होता है। कोली जाति के लोग भूमि जोतते हैं तथा सभी प्रकार के कृषि कार्य करते हैं, जिसके बदले में इन्हें अनाज देना दिया जाता है। इसे शिंगमू या हाला प्रथा कहते हैं। तो कोली जाति के लोग भूमि जोतते हैं तथा सभी प्रकार के कृषि कार्य करते हैं, जिसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, शिंगमू या हाला प्रथा कहते हैं। शिंगमू या हाला प्रथा है ये, शिंगमू या हाला प्रथा कहते हैं, शिंगमू या हाला प्रथा, शिंगमू या हाला प्रथा किसको बोलते हैं, शिंगमू या हाला प्रथा जब कोली जाति के लोग भूमि जोतते हैं तथा सभी प्रकार के कृषि कार्य करते हैं और जिसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता है, इसे बोलते हैं शिंगमू या हाला प्रथा, शिंगमू या हाला प्रथा कहते हैं, शिंगमू या हाला प्रथा। किन्नौर की शॉलें विश्व प्रसिद्ध हैं। शॉल के अलावा पट्टू, दोहड़ू, टोपियाँ, अन्य हस्तशिल्प निर्मित ऊनी वस्तुएं हैं। रिब्बा को अंगूरों की भूमि कहा जाता है। 1520 और 1820 क्षेत्र किन्नौर में स्थित हैं। 1520 और 1820, 1520 और 1820 क्षेत्र किन्नौर में स्थित हैं। 1520 और 1820 जो क्षेत्र हैं वो किन्नौर में स्थित हैं। इसके बाद है गुज्जर जनजाति, गुज्जर जनजाति, गुज्जर हुन जनजाति के वंशज माने जाते हैं, गुज्जर हुन जाति के वंशज माने जाते हैं। गुज्जर लोग हिमाचल के मूल निवासियों में से नहीं, परंतु किसी समय ये लोग हिंदू कुश पर्वत को पार से अक्रांता बनकर भारत में आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। तो गुज्जर जो है हुन जाति के वंशज माने जाते हैं, गुज्जर हुन जाति के वंशज माने जाते हैं। गुज्जर लोग हिमाचल के मूल निवासियों में से नहीं, परंतु किसी समय ये लोग हिंदू कुश पर्वत के पार से अक्रांता बनकर भारत में आए थे, फिर यहीं के होकर रह गए। प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम गुज्जर हैं। प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के गुज्जर हैं। हिंदू गुज्जर स्थायी तौर पर गांव में बसकर कृषि या अन्य व्यवसाय करते हैं, परंतु मुस्लिम गुज्जर घूमकर स्वभाव के हैं और पशु लेकर, विशेषतः भैंसे लेकर घूमते रहते हैं और दूध बेचने का काम करते हैं। चंबा जिले में उनकी सबसे अधिक संख्या है। तो चंबा में इनकी सबसे अधिक संख्या है गुजरों की। और 26 और 27 मई 1956 को, 26 और 27 मई 1956 में, 1956 में चंबा में गुज्जर आदिम जाति सम्मेलन बहुत सफलता से संपन्न हुआ था। बोला गया है कि 26 और 27 मई 1956 को, 26 और 27 मई 1956 को
चंबा में गुज्जर आदिम जाति सम्मेलन बहुत सफलता से संपन्न हुआ था। इस अवसर पर भारत सरकार के राज्य गृह मंत्री श्री बी एन दत्तार और आदिम जातियों के कमिश्नर श्री एल एम श्रीकांत आए थे। तो बोला गया है कि जब 1956 में गुज्जर आदिम जाति सम्मेलन हुआ था, जब 1956 में, तब राज्य गृह मंत्री श्री बी एन दत्तार और आदिम जातियों के कमिश्नर कौन थे? एल एम श्रीकांत ही आए थे। राज्य गृह मंत्री श्री बी एन दत्तार, राज्य गृह मंत्री श्री बी एन दत्तार, राज्य गृह मंत्री श्री बी एन दत्तार आए थे 1956 में गुज्जर आदिम जाति सम्मेलन में। राज्य गृह मंत्री श्री बी एन दत्तार और आदिम जातियों के कमिश्नर श्री आदिम जातियों के कमिश्नर श्री एल एम श्रीकांत आए थे। गुजरों में अनेक गोत्र हैं। इन लोगों ने अपने गोत्रों के भीतर विवाह नहीं करते। यह लोग अपने गोत्र के भीतर विवाह नहीं करते। गुजरों में अनेक गोत्र हैं। ये लोग अपने गोत्र के भीतर विवाह नहीं करते। अनेक पीरों की यह पूजा करते हैं। नदी को भी दूध चढ़ाते हैं। गुज्जर लोग क्या करते हैं? नदी को दूध चढ़ाते हैं। गुज्जर लोग नदी को दूध चढ़ाते हैं। बाल विवाह और तलाक भी इनमें चलते हैं। विवाह मुस्लिम शरीयत के अनुसार होता है। और गुज्जर लोग नदी को दूध चढ़ाते हैं। बाल विवाह और तलाक भी इनमें चलते हैं। विवाह मुस्लिम शरीयत के अनुसार होता है। गुज्जरों की मुख्य समस्या चरहगाह है। इनकी भैंसों की संख्या में वृद्धि हो रही है, परंतु चरागाह कम हो रहे हैं। स्थानीय किसानों के साथ भी बहुधा गुजरों का चरागाह के कारण संघर्ष हो जाता है। इसके बाद है स्वांगला जनजाति। तो बोला गया है कि जो स्वांगला जनजाति है उनका निवास स्थान क्या है? पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी लाहौल स्पीति में यह जनजाति पाई जाती है। स्वांगला जनजाति का निवास स्थान है पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी। पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी में यह मतलब स्वांगला जनजाति पाई जाती है। पट्टन घाटी और स्वांग जो पट्टन घाटी है और चंद्रभागा घाटी है, पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी लाहौल स्पीति में स्वांगला जनजाति पाई जाती है। पट्टन घाटी और चंद्रभागा घाटी लाहौल स्पीति में स्वांगला जनजाति पाई जाती है। भाषा मनछेद चिनाली सिप्पी द्वारा बोली जाने वाली, भोटी बोधो द्वारा और तिनान सिस्सू क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो स्वांगला के द्वारा मनछेद चिनाली सिप्पियों द्वारा बोली जाने वाली है। ये भाषाएं हैं स्वांगला की। मनछेद और चिनाली सिप्पियों द्वारा बोली जाती है। भोटी बोध द्वारा और तिनान सिस्सू क्षेत्र में, तिनान जो है सिस्सू क्षेत्र में बोली जाती है, मनछेद और चिनाली ये सिप्पियों द्वारा बोली जाती है। मनछेद और चिनाली सिप्पियों के द्वारा बोली जाती है। भोटी बौद्ध द्वारा, जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं बौद्ध, उनके द्वारा भोटी बौद्ध धर्म वालों के द्वारा बोली जाती है। और तिनान सिस्सू क्षेत्र में बोली जाती है। भोजन क्या है स्वांगला लोगों का? स्वांगला जनजाति का भोजन है चिलरा, यह है जौ की रोटी, छांग स्थानीय शराब। तो स्वांगला जनजाति का भोजन है चिलरा, जौ की रोटी को बोलते हैं चिलरा, जौ की रोटी और छांग के स्थानीय शराब। विवाह प्रथा है रुस्साते विवाह, स्वांगला का विवाह है रुस्साते विवाह, ये प्रेम विवाह है। फिर है कुआ विवाह, क्या है? हरण विवाह। मजमी विवाह के समझौते के अनुसार विवाह, जब लड़का लड़की का लड़का विवाह का खर्च उठाने को तैयार हो जाए। छेती के दहेज प्रथा, तो स्वांगला जनजाति में विवाह प्रथा कैसे है? रुस्साते ब्याह, ये प्रेम विवाह है। स्वांगला जनजाति में रुस्साते ब्याह
प्रेम विवाह है, स्वांगला जनजाति में रुस्सा ते ब्याह प्रेम विवाह है, स्वांगला जनजाति में रुस्सा ते ब्याह क्या है प्रेम विवाह, स्वांगला जनजाति में रुस्सा ते ब्याह क्या है प्रेम विवाह, और स्वांगला जनजाति में कुआ ब्याह क्या है हरण विवाह, स्वांगला जनजाति में कुआ ब्याह क्या है, कुआ ब्याह क्या है ये है हरण विवाह, हरण विवाह, स्वांगला जनजाति में कुआ ब्याह क्या है हरण विवाह, स्वांगला जनजाति में रुस्सा ते ब्याह क्या है प्रेम विवाह, रुस्सा ते ब्याह क्या है प्रेम विवाह, स्वांगला जनजाति में रुस्सा ते ब्याह प्रेम विवाह है, कुआ ब्याह क्या है हरण विवाह, कुआ ब्याह क्या है हरण विवाह, कुआ ब्याह क्या है स्वांगला में हरण विवाह है, कुआ ब्याह हरण विवाह है, स्वांगला जनजाति में कुआ ब्याह क्या है हरण विवाह। फिर बोला गया है कि मजमी ब्याह, स्वांगला जनजाति में मजमी ब्याह क्या है समझौते के अनुसार विवाह, समझौते के अनुसार विवाह है, मजमी ब्याह क्या है समझौते के अनुसार विवाह, स्वांगला जनजाति में मजमी ब्याह क्या है समझौते के अनुसार विवाह, मजमी विवाह समझौते के अनुसार विवाह है, स्वांगला जनजाति में मजमी ब्याह क्या है समझौते के अनुसार विवाह है, स्वांगला जनजाति में मजमी ब्याह क्या है समझौते के अनुसार विवाह है, मजमी ब्याह समझौते के अनुसार विवाह है जब लड़का विवाह का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए। छेती क्या है स्वांगला में, दहेज प्रथा को छेती बोलते हैं, स्वांगला जनजाति में छेती बोलते हैं दहेज प्रथा को, दहेज प्रथा को स्वांगला जनजाति में क्या बोलते हैं छेती, छेती बोला जाता है दहेज प्रथा को स्वांगला जनजाति में, छेती दहेज प्रथा को बोला जाता है। बच्चों से जुड़ी प्रथा छठी या अन्नप्रसन्ना, 6 माह के बच्चों को सर्वप्रथम भोजन करवाने की प्रथा को क्या बोलते हैं छठी या अन्नप्रसन्ना, छठी या अन्नप्रसन्ना बोला जाता है, 6 माह के बच्चों को भोजन कराने की प्रथा को छठी या अन्नप्रसन्ना कहा जाता है। तो बच्चों से जुड़ी प्रथा क्या है छठी या अन्नप्रसन्ना, 6 माह के बच्चों को सर्वप्रथम भोजन कराने की प्रथा। क्रमोग क्या है, क्रमोग, क्रमोग 1 वर्ष के बच्चे से जुड़ी प्रथा है, क्रमोग प्रथा का पालन कब होता है जब वर्ष बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है, तो तब कौन सा क्रमोग, क्रमोग जो प्रथा है वो उसका पालन होता है। फिर है नंद छेद, नंद छेद क्या है लड़कियों की किशोरावस्था में, नंद छेद मतलब जब नाक में छेद किया जाता है आभूषण पहनने के लिए, तो नंद छेद बोला गया है कि लड़कियों में किशोरावस्था में नंद छेद की प्रथा है। फिर तलाक, तलाक को बोलते हैं तसुद, तसुद थवागजी, स्वांगला जनजाति में तलाक को तसुद थवागजी बोला जाता है, तसुद थवागजी बोला जाता है, स्वांगला में तलाक को तसुद थवागजी बोला जाता है। संपत्ति का बराबर बंटवारा मरने के बाद पुत्रों में पगवांड बोलते हैं, पगवांड, तलाक को क्या बोलते हैं स्वांगला, तलाक को क्या बोलते हैं तसुद थवागजी, तसुद थवागजी, स्वांगला तलाक को तसुद थवागजी बोलते हैं, स्वांगला तलाक को क्या बोलते हैं तसुद थवागजी, स्वांगला जो है तलाक को तसुद थवागजी बोलते हैं, स्वांगला तलाक को तसुद थवागजी बोलते हैं, स्वांगला तलाक को क्या बोलते हैं तसुद थवागजी, स्वांगला तलाक को तसुद थवागजी बोलते हैं, स्वांगला जो है तलाक को क्या बोलते हैं तसुद थवागजी, स्वांगला तलाक को तसुद थवागजी बोलते हैं, स्वांगला तलाक को बोलते हैं तसुद थवागजी। और संपत्ति का बराबर बंटारा मरने के बाद पुत्रों में उसको पगवांड बोला जाता है, पगवांड, संपत्ति का जो बराबर बंटवारा मरने के बाद पुत्रों में होता है उसको पगवांड बोलते हैं। स्वांगला जनजाति में संपत्ति का जो बराबर बंटवारा होता है मरने के बाद उसको क्या बोलते हैं पगवांड बोलते हैं। किस बौद्ध पंथ में जानवरों की बलि नहीं दी जाती है, तो गोलू गप्पा जो पंथ है उसमें, बौद्ध पंथ है ये, गोलू गप्पा जो पंथ है बौद्ध पंथ का, उसमें जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। तो गोलू गप्पा जो पंथ है बौद्ध पंथ में से, गोलू गप्पा पंथ में, गोलू गप्पा पंथ में क्या है जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती, तो किस बौद्ध पंथ में जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती है, तो गोलू गप्पा पंथ में, गोलू गप्पा पंथ में जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती है, किस बौद्ध पंथ में जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती है गोलू गप्पा पंथ में, गोलू गप्पा पंथ में। मंदिर कौन से हैं यहाँ पर, त्रिलोकीनाथ मृकुला देवी मंदिर उदयपुर, ये स्वांगला जनजाति से रिलेटेड प्रमुख मंदिर है, त्रिलोकीनाथ और मृकुला मंदिर उदयपुर। मेला है त्रिलोकीनाथ मेला, अगस्त सितंबर में लगता है, तो मंदिर है त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी उदयपुर, त्रिलोकीनाथ मंदिर और मृकुला देवी उदयपुर, ये स्वांगला जनजाति से रिलेटेड मंदिर है जिन जहाँ पर ये अधिकतर पूजा करते हैं, तो त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ और
मिरुकला मंदिर उदयपुर, मेला त्रिलोकनाथ मेला अगस्त सितंबर में लगता है। उसके बाद है खंपा जनजाति, तो खंपा जनजाति के बारे में देखते हैं, जो तिब्बती भारत में अभी तक घुमंतू जीवन जीते हैं उन्हें खंपा कहा जाता है। जो तिब्बती भारत में अभी तक घुमंतू जीवन बिता रहे हैं इन्हें खंपा कहा जाता है। जो तिब्बती भारत में अब तक घुमंतू जीवन बिता रहे हैं उन्हें खंपा कहा जाता है। जो तिब्बती भारत में अब तक घुमंतू जीवन बिता रहे हैं उन्हें खंपा कहा जाता है। कहाँ से आए हैं और बसे हैं, तो खाम, खाम जो है तिब्बत से, तो खाम जो है तिब्बत से आए हैं, खाम है तिब्बत से आए हैं, खाम तिब्बत से आए हैं। किस नाम से जाने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो अभी पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाम कहाँ से आए हैं, तिब्बत से, खाम तिब्बत से आए हैं, खाम तिब्बत से आए हैं। तो किस नाम से जाने जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो खाम या खम्पा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उत्तरांचल में शाह खम्पा, 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 उत्तरांचल में क्या शाह खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, उत्तरांचल में शाह खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, उत्तरांचल में क्या है शाह खम्पा, उत्तरांचल में शाह खम्पा है, उत्तरांचल में शाह खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, किन्नौर में कुन्नू खम्पा, उत्तरांचल में शाह खम्पा, उत्तरांचल में शाह खम्पा, उत्तरांचल में क्या है शाह खम्पा, उत्तरांचल में शाह खम्पा है, उत्तरांचल में क्या है शाह खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा है, स्पीति में क्या है पीती खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा है। फिर है किन्नौर में कुन्नू खम्पा, 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 कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा है, कुल्लू में कौन सी खम्पा है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में है न्योंदी खम्पा, उत्तरांचल में शाह खम्पा, पीती पीती खम्पा कहाँ पर स्पीति में, स्पीति में पीती खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, स्पीति में पीती खम्पा, किन्नौर में कुनू खम्पा, किन्नौर में कुनू खम्पा, किन्नौर में कुनू खम्पा, किन्नौर में कुनू खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में क्या है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में क्या है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, कुल्लू में कौन से खम्पा है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में है न्योंदी खम्पा, कुल्लू में है न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, चंबा में कौन से थावा खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा और चंबा में थावा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा और लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, कुल्लू में न्योंदी खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, चंबा में थावा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा, लाहौल में गर्जा खम्पा। निखोर खम्पा धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले कहलाते हैं। निखोर खम्पा किनको बोलते हैं, जो धार्मिक जगहों की यात्रा करते हैं, निखोर खम्पा धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले, निखोर खम्पा जो धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले हैं। तो शाह खम्पा उत्तरांचल में, पीती खम्पा स्पीति में, कुन्नू खम्पा किन्नौर में, कुन्नू खम्पा किन्नौर में, न्योंदी खम्पा कुल्लू में, थावा खम्पा चंबा में, गर्जा खम्पा लाहौल में, निखोर खम्पा कौन सा धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले, निखोर खम्पा धार्मिक जगहों की यात्रा करने वाले को कहते हैं, निखोर खम्पा धार्मिक जगह की यात्रा करने वाले को कहते हैं। विवाह क्या है, फंकतून, फंकतून विवाह का अवसर है, विवाह में देखते हैं फंकतून क्या है, फंकतून विवाह का अवसर है। तिमड़े लहू प्रश्न उत्तर गीत, लड़की वालों द्वारा वर का रास्ता रोककर पूछने के लिए। तो फंकतून तो क्या है विवाह का अवसर, फंकतून क्या है विवाह का अवसर, फंकतून विवाह का अवसर, फंकतून विवाह का अवसर। और तिमड़े लहू क्या है प्रश्न उत्तर गीत है, जो लड़की वालों द्वारा वर का रास्ता रोककर पूछने के लिए होता है। तिमड़े लहू क्या है, तिमड़े लहू क्या है, जो
लड़की वाले वर का रास्ता रोककर प्रश्न उत्तर गीत गाते हैं, उसको तिमढेलू कहा जाता है। फिर उसके बाद है थोड़कर है वो पगड़ी को बोलते हैं। देसी लह, विवाह के दौरान लड़की लड़के द्वारा खाया जाने वाला दही चावल से बना मीठा व्यंजन देसील बोलते हैं, जो विवाह के अवसर पर खंपा जनजाति में विवाह के अवसर पर लड़का लड़की द्वारा खाया जाने वाला दही चावल से बना मीठा व्यंजन उसको बोलते हैं देसील। देसील देसील है खंपा जनजाति द्वारा विवाह के दौरान लड़का लड़की द्वारा जो है खाया जाने वाला दही चावल से बना मीठा व्यंजन उसको देसील बोलते हैं। गृह देवता के छरना दोरजे, खंपा जनजाति में गृह देवता कौन है? गृह देवता है खंपा जनजाति में गर्जा दोरचे दोरजे, तो बोला गया छड़ना दोरजे, सॉरी छड़ना दोरजे, छड़ना दोरजे। गृह देवता कौन है? खंपा जनजाति में छड़ना दोरजे, छड़ना दोरजे। गृह देवता है छड़ना दोरजे, छड़ना दोरजे। खंपा जनजाति में गृह देवता कौन है? छड़ना दोरजे, छड़ना दोरजे। गृह देवता है छड़ना दोरजे, खंपा जनजाति में गृह देवता है छड़ना दोरजे। वस्त्र है छुबा, छुबा मतलब गाउन। बंजग, बंजग मतलब कमीज, बंजग कमीज। छुबा गाउन, बंजग कमीज, खंपा जनजाति के वस्त्र है छुबा गाउन, गाउन छुबा गाउन, बंजग कमीज। किंगर टोपी को बोलते हैं, खंपा जनजाति में किंगर बोलते हैं टोपी को। खंपा जनजाति में किंगर किसको बोलते हैं? टोपी को। किंगर बोलते हैं टोपी को। खंपा जनजाति में किंगर किसको बोलते हैं? टोपी को। खंपा जनजाति में किंगर किसको बोलते हैं? टोपी को। भोजन है थुगपा और मोमो, गुच्छी जो मशरूम है गुच्छी मशरूम, भालकू लिंगर नोखी छीव खाने योग्य जड़े। फिर है प्रथा, रलदक, रलदक है 2 वर्ष से कम आयु मुंडन के बच्चे के बाल काट कटवाने की प्रथा। तो रलदक बोलते हैं जब 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बाल कटवाने की प्रथा को क्या बोलते हैं? खंपा जनजाति में रलदक। रलदक क्या है? खंपा जनजाति में रलदक बोलते हैं 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बाल कटवाने की प्रथा या मुंडन को बोलते हैं रलदक। रलदक बोलते हैं 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बाल कटाने की प्रथा को। खंपा जनजाति में क्या बोलते हैं? खंपा जनजाति में रलदक बोलते हैं, रलदक। फिर छिजीश, छिजीक, छिजीक है मृत्यु के चौथे दिन, छिजीक है मृत्यु के चौथे दिन, दुजीक है मृत्यु के 7वें दिन, दुजीक है मृत्यु के 7वें दिन। छिजीक है छिजीक मृत्यु के चौथे दिन, दुजीक है मृत्यु के 7वें दिन। छिपकू शेरकू, 49th डे होता है जब, छिपकू शेरकू। फिर लोगार, मृत्यु के 1 वर्ष बाद क्या होता है? लोगार, लोगार है खंपा जनजाति में मृत्यु के 1 वर्ष के बाद। तो छिजीक है चौथे दिन, 4th डे छिजीक है, 4th डे क्या है? छिजीक। फिर दुजीक है 7वें दिन, दुजीक है 7वें दिन। छिपकू शेरकू, छिपकू शेरकू 49th डे है। छिपकू, शिपकू सॉरी शिपछू, शिपछू शेरकू, शिपछू शेरकू, शिपछू शेरकू 49th डे है। लोगार है मृत्यु के 1 वर्ष के बाद किए जाने वाले कर्मकांड है। फिर है मेले, लोसार नववर्ष त्योहार फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो लोसार जो है ये है नववर्ष का त्योहार और फरवरी के अंतिम सप्ताह में। गल्दे गमछे ये मई में, गल्दे गमछे मई में। गेतर और लदारचा मेला स्पीति और किन्नौर में, जिसमें खुन्नू और पीति खंपा भाग लेते हैं। गल्दे गमछे जो है मई में, गल्दे गमछे, गल्दे गमछे गेतर और लदारचा मेला। गल्दे गमछे खंपा जनजाति के त्योहार है, गल्दे गमछे। फिर है पहले तो लोसार हो गया मेला, नववर्ष का त्योहार फरवरी के अंतिम सप्ताह में। फिर गल्दे गमछे मई में, गेतर, गेतर भी खंपा जनजाति का त्योहार है। लदारचा मेला जो है इसमें स्पीति और किन्नौर में होता है, स्पीति और किन्नौर में होता है लदारचा मेला, स्पीति और किन्नौर में, जिसमें खुन्नू और पीति खंपा भाग लेते हैं, मतलब खुन्नू किन्नौर के, पीति स्पीति के खंपा जो है भाग लेते हैं। वस्त्र के सुक्तु शॉल, सुकदान ऊनी चादर, शुजाम चुंगी, ये है परिषद 5 बुजुर्गों की। जो खंपा जनजाति में 5 जो परिषद होती है, 5 बुजुर्ग लोग, किसको क्या बोलते हैं? शुजाम चुंगी। शुजाम चुंगी का मतलब है शुजाम चुंगी, खंपा लोगों में 5 बुजुर्ग लोगों की जो परिषद होती है उसको शुजाम चुंगी बोलते हैं। खंपा जनजाति में
जो शुजाम चुंगी है वो है परिषद 5 बुजुर्ग लोगों की। खंपा जनजाति में शुजाम चुंगी क्या है, परिषद है 5 बुजुर्ग लोगों की। खंपा जनजाति में शुजाम चुंगी क्या है, परिषद है 5 बुजुर्ग लोगों की। खंपा जनजाति में शुजाम चुंगी क्या है, परिषद है 5 बुजुर्ग लोगों की। खंपा जनजाति में शुजाम चुंगी क्या है, शुजाम चुंगी परिषद है 5 बुजुर्ग लोगों की। खंपा जनजाति में शुजाम चुंगी क्या, परिषद है 5 बुजुर्ग लोगों की, शुजाम चुंगी। इसके बाद है जाट जनजाति। तो जाट जनजाति से रिलेटेड देखते हैं, तो जाट जनजाति के बारे में दिया है कि जाट जो तिब्बती भारतीय सीमा में आकर रहने लगे, उन्हें ही सीमांतवर्ती भारतीय जाट कहते हैं। साधारणतया जाट शब्द का तात्पर्य वर्ण व्यवस्था न मानने वाले लोग है। जाट शब्द का जो तात्पर्य वो है वर्ण व्यवस्था न मानने वाले लोग। हिमाचल प्रदेश में जाट प्रधानतया किन्नौर के अंतर्गत हांगरांग में रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो जाट हैं वो किन्नौर के अंतर्गत हांगरांग में रहते हैं। प्रधानतया जो है जाट किन्नौर के हांगरांग में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जाट जो है प्रधानतया किन्नौर के हांगरांग में रहते हैं। जाड़ों की भाषा तिब्बती है। जाड़ों की जो भाषा है वो तिब्बती है। जाड़ों की भाषा तिब्बती है। जाड़ों की भाषा क्या है, तिब्बती। जाड़ों की भाषा तिब्बती है। जाड़ों की भाषा तिब्बती है। किन्नरों की भाषा से जाड़ों की भाषा पृथक है। किन्नौर के किन्नरों की भाषा से जाड़ों की भाषा पृथक है। किन्नर आदिम जाति के लोग जाड़ों को हीन मानते हैं। जो किन्नर आदिम जाति के लोग हैं वो जाड़ों को हीन मानते हैं। यह लोग घर में किसी की मृत्यु होने पर साधारणतः स्नान करते हैं। जो जाड़ लोग हैं वो घर में किसी की मृत्यु होने पर साधारणतः स्नान करते हैं। और जाड़ शब्द का क्या तात्पर्य बताया, वर्ण व्यवस्था ना मानने वाले लोग। जाड़ प्रधानतः कहाँ रहते हैं, किन्नौर के हांगरांग में, किन्नौर के हांग अंतर्गत हांगरांग में रहते हैं जाड़ जो प्रधानतः है। इनकी जाड़ों की भाषा क्या है, तिब्बती। जाड़ लोगों की भाषा क्या है, तिब्बती है। जाड़ लोगों की भाषा क्या है, तिब्बती है। और किदम जो किन्नर आदिम जाति के लोग हैं जाड़ों को हीन मानते हैं। यह लोग जो जाड़ लोग हैं वो घर में किसी की मृत्यु होने पर साधारणतः स्नान करते हैं। तिब्बत में शरणार्थी बनकर आए जाड़ पहले याक और गों को खा जाते थे। तो जो तिब्बत से शरणार्थी बनकर आए जो जाड़ लोग हैं पहले क्या करते थे, ये जाड़ लोग याक और गों को खा जाते थे। याक और गों को खा जाते थे, परंतु बुशर के राजा ने ऐसा करने की मनाही की थी, इसलिए अब जाड़ों में यह प्रथा नहीं रही। हांगरांग के जाड़ तिब्बतियों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। जो हांगरांग के जाड़ हैं वो खुद को तिब्बतियों से श्रेष्ठ मानते हैं। और जो ये जाड़ है, हांगरांग के जाड़ है, वो खुद को तिब्बतियों से श्रेष्ठ मानते हैं, हांगरांग के जाड़। और हांगरांग के जाड़ से खुद को श्रेष्ठ कौन मानते हैं, किन्नौर के लोग। और किन्नौर के लोग क्या करते हैं, जो हांगरांग के जाड़ है उनको हीन भावना से देखते हैं। और जो हांगरांग के जाड़ हैं वो तिब्बतियों से अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए उनके हाथ का पानी लेने में भी संकोच करते हैं। इसलिए उनके हाथ का पानी लेने में भी संकोच करते हैं। फिर है हांगरांग प्रदेश। तो बोला गया कि जो हांगरांग है वो पर्वतीय भाग है। हांगरांग पर्वतीय भाग है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा शिखर क्या है, पुरग्यूर है। जो हांगरांग प्रदेश है वहाँ सबसे ऊंचा शिखर है पुरग्यूर। पुरग्यूर जो है, पुरग्यूर हांगरांग प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है पुरग्यूर। पुरग्यूर हांगरांग जो प्रदेश है उसका सबसे ऊंचा शिखर है। पुरग्यूर क्या है, हांगरांग का सबसे ऊंचा शिखर। यह प्रदेश स्पीति नदी के दोनों किनारों पर बसा है। हांगरांग प्रदेश क्या है, स्पीति नदी के दोनों किनारों पर बसा है। सबसे कम ऊंचाई पर आबादी लियो में है। सबसे कम हांगरांग में सबसे कम ऊंचाई पर जो आबादी है वो लियो में है। हांगरांग के पूर्व में पश्चिमी तिब्बत का रनछुंग प्रंगना है। हांगरांग के पूर्व में पश्चिमी तिब्बत का रनछुंग प्रंगना है। हांगरांग के पूर्व में जो पश्चिमी तिब्बत है उसका रनछुंग प्रंगना है, जिसका पहला ग्राम शिपकी भारतीय सीमा के अंतिम ग्राम नमग्या से 9 मील की दूरी पर है। तो बोला गया कि हांगरांग के पूर्व में पश्चिमी तिब्बत का रुनछुंग प्रंगना है। पश्चिमी तिब्बत का रुनछुंग प्रंगना है और जिसका पहला ग्राम शिपकी भारतीय सीमा के अंतिम ग्राम नमग्या से 9 मील दूर है। हांगरांग पश्चिमी तिब्बत के रुनछुंग प्रंगना से मिलता है। फिर है
हांगरांग के पश्चिमी सुनमे ग्राम है, हांगरांग के पश्चिम में सुनमे ग्राम है जो किन्नर प्रदेश के अंतर्गत है। हांगरांग के पश्चिम में सुनमे ग्राम है जो किन्नर प्रदेश के अंतर्गत है। उत्तर में ताचो तिब्बत और दक्षिण में स्पीति है। उत्तर में ताचो है जो तिब्बत के अंतर्गत है, ताचो तिब्बत, और दक्षिण में स्पीति है। हांगरांग का केंद्रीय ग्राम नाको है जबकि सबसे बड़ा ग्राम चांगो है। हांगरांग का जो केंद्रीय ग्राम है नाको है जबकि सबसे बड़ा ग्राम चांगो है। हांगरांग प्रदेश में सबसे बड़ा ग्राम चांगो है और सबसे छोटा ग्राम क्या है, सुमरा है। हांगरांग में सबसे बड़ा ग्राम चांगो है और सबसे छोटा ग्राम क्या है, सुमरा है। जाट समाज आर्थिकी एवं संस्कृति, जाट समाज आर्थिकी एवं संस्कृति। तो हांगरांग में बहुपति प्रथा प्रचलित है, हांगरांग में बहुपति प्रथा प्रचलित है। इसके कारण दो तिहाई स्त्रियां विवाह योग्य अवस्था में पहुंचकर भी अविवाहित रहती हैं। तो हांगरांग में क्या है, बहुपति प्रथा प्रचलित है। इसके कारण क्या है, दो तिहाई जो स्त्रियां हैं वो विवाह योग्य अवस्था में पहुंचने पर भी अविवाहित रहती हैं। विवाह न करने वाली स्त्रियां बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर सिर मुंडा लेती हैं। इन्हें जोमो कहा जाता है, जोमो कहा जाता है। विवाह न करने वाली स्त्रियां बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर सर मुंडा लेती हैं। इन्हें जोमो कहा जाता है। हांगरांग में सब काम लामा जी के आदेश पर होता है। पुरुष हल चलाते हैं और जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। पुरुष हल चलाते हैं और जंगल में कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं और बाकी सब काम खेत की निराई गुड़ाई कटाई ढुलाई और बुआई स्त्रियां ही करती हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में आर्थिकी में ना इस क्षेत्र की आर्थिकी में स्त्रियां महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। माता पिता भी लड़कियों को जोम्मो बनाना पसंद करते हैं। माता पिता भी क्या सोचते हैं कि लड़कियों को जोम्मो बनाना पसंद करते हैं। हांगरांग की भाषा और लिपि क्या है, तिब्बती है। हांगरांग की भाषा और लिपि क्या है, तिब्बती। हांगरांग की भाषा और जो लिपि है वो क्या है, तिब्बती। हांगरांग की भाषा और लिपि है तिब्बती। फिर बोला गया है कि घर जमाई रखने की प्रथा नाको में पाई जाती है। घर जमाई रखने की जो प्रथा है वो हांगरांग के नाको में पाई जाती है। घर जमाई रखने की प्रथा नाको में पाई जाती है। हांगरांग की स्त्रियां छांग का सेवन करती हैं। हांगरांग के लोग प्रग्युर शिखर को पर्वतों का राजा मानते हैं जबकि किन्नर के लाश को रलदंग प्रेतों की सभा का स्थान बताते हैं। हांगरांग के लोग ना प्रग्युर जो शिखर है, हांगरांग के लोग प्रग्यूर शिखर को पर्वतों का राजा मानते हैं। हांगरांग के लोग प्रग्यूर शिखर को पर्वतों का राजा मानते हैं। हांगरांग के जो लोग हैं वो प्रग्यूर शिखर को पर्वतों का राजा मानते हैं जबकि किन्नर के लाश को रलदंग, रलदंग मतलब प्रेतों की सभा का स्थान कहते हैं। हांगरांग के लोग किन्नर के लाश को क्या बोलते हैं, रलदंग। किन्नर के लाश को रलदंग मतलब प्रेतों की सभा का स्थान बताते हैं। और प्रग्युर को हांगरांग के लोग क्या बोलते हैं, पर्वतों का राजा। प्रग्युर देवता में हांगरांग लोगों की विशेष श्रद्धा है। हांगरांग लोगों की विशेष श्रद्धा किसमें है, प्रग्युर देवता में। प्रग्युर देवता में हांगरांग लोगों की विशेष श्रद्धा है। हांगरांग निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है। हांगरांग निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है और प्रग्युर देवता में हांगरांग के लोगों की विशेष श्रद्धा है। हांगरांग देवता में सॉरी हांगरांग के लोगों की प्रग्युर देवता में विशेष श्रद्धा है। प्रग्युर देवता में हांगरांग के लोगों की विशेष श्रद्धा है और वो हांगरांग के लोग जो हैं वो प्रग्युर देवता को पर्वतों का राजा बोलते हैं और किन्नर के लाश को रलदंग बोलते हैं, मतलब तो प्रेतों की सभा का स्थान। फिर है यहाँ गेहूं जौ और मटर की खेती होती है। तिब्बत के याक और भारतीय गाय के संयोग से नई नस्ल तैयार की गई है जिसे जो या जोफो नर तथा जोमो मादा कहा जाता है। तिब्बत के याक और भारतीय गाय के संयोग से नई नस्ल तैयार की गई है। तिब्बत के याक और भारतीय गाय, तिब्बत के याक और भारतीय गाय के संयोग से नई नस्ल तैयार की गई है जिसे जो या जोफो नर को बोलते हैं। जो या जोफो जो बोलते हैं, जोफो बोलते हैं नर को, नर को बोलते हैं जो या जोफो नर को बोला जाता है और जो जोमो है वो मादा को कहा जाता है। जोफो बोझा उठाने और हल चलाने के काम आते हैं। जोफो जो हैं बोझा उठाने और हल चलाने के काम आते हैं। याक की मादा डिमो कहलाती है। याक की मादा जो है उसको डिमो कहलाती है। याक की मादा डिमो कहलाती है। याक की जो मादा है उसको क्या बोलते हैं, डिमो। याक की मादा जो है वो डिमो कहलाती है। याक की जो मादा है वो क्या कहलाती है, डिमो कहलाती है। याक की मादा डिमो कहलाती है।
डीमू और बैल से, जो याक की मादा डीमू है और बैल से जिस संकर प्रजाति का जन्म होता है उसे गजरफ कहते हैं। तो जो याक की मादा है उसको क्या बोलते हैं, डीमो। याक की मादा को डीमो कहते हैं, याक की मादा को डीमो कहते हैं, याक की मादा को डीमो कहते हैं। और डीमो और बैल, जो डीमो और बैल के जिस संकर प्रजाति का जन्म होता है, डीमो और बैल से जिस संकर प्रजाति का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं, गर्जफ। गर्जफ बोलते हैं, गर्जफ, गर्जफ बोलते हैं, गर्जफ। उसके बाद है भोट। हांगरांग में इन्हें जाड़ कहा जाता है और नी लोगों को पांगी और लाहौल में भोट कहा जाता है। जो भोट है ना वो हांगरांग में इन्हें जाड़ कहा जाता है, हांगरांग में जिन्हें जाड़ कहा जाता है उन्हीं लोगों को पांगी और लाहौल में भोट कहा जाता है। हांगरांग में जिन्हें जाड़ कहा जाता है, हांगरांग में जिनको जाड़ बोलते हैं उन्हीं लोगों को पांगी और लाहौल में भोट बोलते हैं। हांगरांग में जिनको जाड़ कहा जाता है उन्हीं लोगों को पांगी और लाहौल में भोट कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म को मानते हैं और इनमें भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। इनमें भी जैसे जाड़ों में वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऐसे भोट में भी वर्ण व्यवस्था नहीं है। और बोला गया कि हांगरांग में जिनको जाड़ कहा जाता है उनको पांगी और लाहौल में क्या बोला जाता है, भोट। पांगी और लाहौल में इनको, इन्हीं जाड़ों को क्या बोला जाता है, भोट बोला जाता है। हांगरांग में जिन लोगों को जाड़ कहा जाता है उन्हें ही जो है पांगी और लाहौल में भोट कहा जाता है। फिर है लाहौला जनजाति। लाहौला जनजाति, लाहौल के निवासियों को स्थानीय भाषा में लाहुले कहा जाता है। फिर है स्पीतन को भोट कहकर भी पुकारते हैं। लाहौला जनजाति में बोला गया कि लाहौल के निवासियों को स्थानीय भाषा में लाहुले बोला जाता है और जो स्पीतन है, स्पीति के निवासियों को भोट कहकर भी पुकारते हैं। स्पीतन जो है वो भोट कहकर भी पुकारते हैं, स्पीतन को भोट कहकर भी पुकारते हैं, स्पीतन को भोट कहकर भी पुकारते हैं। लाहौल निवासी हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी हैं। स्पीतन बौद्ध धर्मावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं। जो स्पीतन है वो बौद्ध धर्मावलंबी हैं। लाहौल तथा स्पीतन की उत्पत्ति आर्य तथा मंगोल श्रेणी के लोगों के सम्मिश्रण से हुई है। जो लाहौल और स्पीतन की उत्पत्ति है, लाहौल और स्पीतन की उत्पत्ति वो मानी जाती है कि आर्य और मंगोल श्रेणी के लोगों के सम्मिश्रण से हुई है। आर्य और मंगोल लोगों के सम्मिश्रण से, आर्य और मंगोल लोगों के सम्मिश्रण से, आर्य और मंगोल लोगों के सम्मिश्रण से जो है लाहौल और स्पीतन की उत्पत्ति हुई है। लाहौल में बहुपति प्रथा विद्यमान 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 है। लाहौल में क्या है, बहुपति प्रथा विद्यमान है। उसके बाद बोला गया है त्रिलोकीनाथ लाहौल में सबसे बड़े देवता हैं। त्रिलोकीनाथ जो है लाहौल में सबसे बड़े देवता हैं। यहाँ के मूल निवासी इन्हें अनाज गुरु के नाम से पुकारते हैं। त्रिलोकीनाथ लाहौल में सबसे बड़े देवता हैं। यहाँ के मूल निवासी इन्हें अनाज गुरु के नाम से पुकारते हैं। लाहौल में बहुपति प्रथा विद्यमान है। त्रिलोकीनाथ लाहौल के सबसे बड़े देवता हैं। यहाँ के मूल निवासी इन्हें अनाज गुरु के नाम से पुकारते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर में पांडवों का बनाया मकान स्थित है। त्रिलोकीनाथ मंदिर में पांडवों का बनाया मकान स्थित है। बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों एक साथ इस मंदिर में पूजा करते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर में पांडवों ने का बनाया मकान स्थित है। बौद्ध और हिंदू दोनों एक साथ इस मंदिर की पूजा करते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर की पूजा कौन करता है, बौद्ध और हिंदू दोनों धर्म के लोग करते हैं। वर्ष 1950 में लाहौल स्पीति को एसटी क्षेत्र माना गया था। वर्ष 1950 में लाहौल स्पीति को एसटी क्षेत्र माना गया। वर्ष 1950 में लाहौल स्पीति को एसटी क्षेत्र माना गया। 1950 में लाहौल स्पीति को क्या किया गया, एसटी क्षेत्र माना गया। 1950 में लाहौल स्पीति को एसटी क्षेत्र माना गया। स्पीति क्षेत्र के कुछ भाग में नहाना और बर्तन मांजना अपशकुन माना जाता है। स्पीति क्षेत्र के कुछ भाग में नहाना और बर्तन मांजना अपशकुन माना जाता है। स्पीति के लोग पूर्ण रूप से तिब्बती हैं। जो स्पीति के लोग हैं वो पूर्ण रूप से तिब्बती हैं। स्पीति के लोग पूर्ण रूप से तिब्बती हैं। स्पीति के लोग पूर्ण रूप से तिब्बती हैं। विवाह जो भाग कर या फिर चुरा कर किया जाता है उससे क्या बोलते हैं, तभागसटन बोलते हैं। लाहौल में जो भाग कर विवाह किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तभागसटन। तलाक में पति पत्नी ऊन का पतला धागा अपनी छोटी उंगली से पकड़कर तोड़ देते हैं। इस प्रकार होने वाले तलाक को
चाड़चे कहा जाता है, कुड़पा चाड़चे कहा जाता है, कुड़पा चाड़चे तिलाको कहा जाता है। सॉरी। तो बोला गया कि जो लाहौल है वहां पर भाकर किए गए विवाह को क्या बोलते हैं, तबहागस्टन बोलते हैं। लाहौल में भाकर किए गए विवाह को क्या बोलते हैं, तबहागस्टन बोलते हैं। लाहौर में भाकर किए गए विवाह को क्या बोलते हैं, तबहागस्टन, तबहागस्टन कहा जाता है लाहौल में भाकर किए गए विवाह को। और तलाक में जब पति पत्नी ऊन का पतला धागा अपनी छोटी उंगली से पकड़कर तोड़ देते हैं, उससे तलाक हो जाता है। इस प्रकार होने वाले तलाक को कुड़पा चाड़चे कहा जाता है, कुड़पा चाड़चे तलाक को कहा जाता है। जब ऊन का धागा तोड़ देते हैं और इस प्रकार तलाक लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कुड़पा चाड़चे, कुड़पा चाड़चे, कुड़पा चाड़चे किसको कहा जाता है, जब ऊन का धागा तोड़कर तलाक लिया जाता है उसको बोलते हैं कुड़पा चाड़चे। लाहौल में कुड़पा चाड़चे, कुड़पा चाड़चे। गेहूं, जौ और चावल से बनी स्थानीय शराब छांग और लुगड़ी यहाँ के स्थानीय पेय हैं। गेहूं और जौ और चावल से बनी स्थानीय शराब छांग और लुगड़ी यहाँ के स्थानीय पेय हैं। लाहौल घाटी आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। लाहौल में भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, लाहौल में भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, लाहौल में भी जाति व्यवस्था विद्यमान है। और ऊपरी वर्ग में राजपूत, ठाकुर, राठी और ब्राह्मण आते हैं, जबकि निचली श्रेणी में हाली, भोट और लोहार आते हैं। ऊपरी श्रेणी में राजपूत, ठाकुर, रावी और ब्राह्मण आते हैं, जबकि निचली श्रेणी में हाली, भोट और लोहार आते हैं। इसके बाद है पंगवाल जनजाति। तो पंगवाल जनजाति का दिया गया है कि पांगी क्षेत्र में रहने के कारण का नाम पंगवाल पड़ा। पांगी घाटी चंद्रभागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। जो पांगी घाटी है वो चंद्रभागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। पांगी घाटी जो पांगी घाटी है वो चंद्रभागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। पांगी घाटी चंद्रभागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। पांगी घाटी चंद्रभागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। पांगी घाटी चंद्रभागा और संसारी नाले के बीच स्थित है। पांगी पर्वतमाला में 8 दर्रे या जोत हैं जिसमें पांगी पहुंचा जा सकता है। पांगी पर्वतमाला में 8 दर्रे या जोत हैं जिससे पांगी पहुंचा जा सकता है। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जोत है साच पास। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जो जोत है वो है साच पास। साच पास जो है सबसे कम ऊंचाई पर स्थित जोत है जिसे साच पास कहा जाता है। पांगी घाटी में अभ्रक पाया जाता है। पांगी घाटी में अभ्रक पाया जाता है। पांगी घाटी में अभ्रक पाया जाता है। पांगी में रहने वाली जातियां हैं ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, राठी, हाली, लोहार, मेघ और ढाकी। इस श्रेणी के निवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। पंगवाल जो है वो किसको मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। पंगवाल हिंदू धर्म को मानते हैं। कुछ तिब्बती लोग जो पांगी में रहते हैं उन्हें भोट कहा जाता है। कुछ तिब्बती लोग हैं जो पांगी में रहते हैं उन्हें भोट कहा जाता है। कुछ तिब्बती लोग जो पांगी में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भोट कहा जाता है। पांगी की भाषा पंगवाली स्वतंत्र भाषा है जिसे पहले टांकरी लिपि में लिखने का रिवाज था। जो पांगी की भाषा पंगवाली है स्वतंत्र भाषा है जिसे पहले टांकरी लिपि में लिखने का रिवाज था। पांगी की भाषा पंगवाली स्वतंत्र भाषा है जिसे पहले टांकरी लिपि में लिखने का रिवाज था। पंगवाल लोग घास से बना जूता पहनते हैं जिसे पूला कहा जाता है। पंगवाल लोग घास से बना जूता पहनते हैं जिसे पूला कहा जाता है। पंगवाल जो लोग हैं वो घास से बना जूता पहनते हैं जिसे पूला कहा जाता है। और जो पंगवाल है उनमें बहुपति प्रथा विद्यमान नहीं है। पंगवाल में बहुपति प्रथा विद्यमान नहीं है। पंगवाल में बहुजपति प्रथा है विद्यमान नहीं है। पंगवाल में बहुपति प्रथा विद्यमान नहीं है। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और दूसरे अन्न को भूसे या घास के साथ घराट पे पीसकर उस आटे से बनी मोटी रोटी खाते हैं। पंगवाल दिन में 5 बार भोजन करते हैं। और ठगी यहाँ का एक फल है जो खुमानी की तरह होता है। ठगी यहाँ का एक फल है जो खुमानी की तरह होता है। और बोला कि जगनी लकड़ी देवदार और चीड़ से निकलती है जिसे जलाकर लालटेन का काम लिया जाता है। जगनी लकड़ी जो है, जगनी लकड़ी देवदार और चीड़ से निकलती है। जगनी लकड़ी देवदार और चीड़ से निकलती है जिसे जलाकर लालटेन का काम लिया जाता है। विवाह देखें, अगर हम पंगवाल में जो विवाह होते हैं वह है बट्टा विवाह, औरत के बदले अपनी बहन देकर विवाह करना। बट्टा विवाह क्या है, औरत के बदले अपनी बहन देकर विवाह करना बट्टा। और सप्तवार्षिक श्रम विवाह, सप्तवार्षिक श्रम विवाह क्या है,
वर अपने ससुराल में 7 वर्ष तक मजदूरी कर अपनी पत्नी को प्राप्त करता है। बट्टा विवाह में क्या है, औरत के बदले अपनी बहन देकर विवाह करना, पंगवाल में बट्टा विवाह है। फिर सप्तवार्षिक श्रम विवाह है, सप्तवार्षिक श्रम विवाह है पंगवाल में, जिसमें ससुराल में 7 वर्ष तक काम करके अपनी पत्नी को प्राप्त करना है। फिर बलात्हरण विवाह प्रेम विवाह होता है, वहां पर बलात्हरण विवाह पंगवालों में, बलात्हरण विवाह है जो कि प्रेम विवाह बोलते हैं, जिसके बलात्हरण विवाह प्रेम विवाह है पंगवालों में। फिर विवाह की चार रस्में, पीलम बोलते हैं सगाई को पंगवालों में, विवाह की चार रस्में है पीलम सगाई फक्की छक्की शादी, पीलम सगाई पीलम फक्की छक्की शादी। तो पंगवालों में विवाह की जो चार रस्में हैं उनके नाम है पीलम फक्की छक्की शादी। पंगवालों में विवाह की चार रस्में कौन कौन सी है, पीलम, पीलम मतलब सगाई, पीलम मतलब सगाई, फिर फक्की छक्की और शादी। हर रस्म में शराब का प्रयोग होता है, और फक्की में लड़की को आभूषण पहनाते हैं, फक्की में लड़की को आभूषण पहनाते हैं फक्की के 1 वर्ष बाद। छक्की की रस्म होती है जिसमें मुहूर्त तय कर विवाह होता है। तो जो पंगवाल है उसमें विवाह की चार रस्में हैं, पीलम मतलब सगाई, फक्की छक्की और शादी। और फक्की में क्या करते हैं, लड़की को आभूषण पहनाते हैं, और फक्की के 1 वर्ष के बाद छक्की होता है। छक्की में क्या है, इसमें मुहूर्त तय किया जाता है विवाह, और विवाह होता है फिर बाद में। फिर तलाक, तलाक को यहाँ पर बुरा नहीं माना जाता पंगवाल में, तलाक को बुरा नहीं माना जाता पंगवाल में, तलाक को बुरा नहीं माना जाता। तलाक के बाद औरत में जब कोई दोबारा शादी करता है तो उसे रीत धन देना पड़ता है। तलाक को यहाँ छड़ दे कहते हैं, तलाक को यहाँ पे क्या बोलते हैं, छड़ दे बोलते हैं। तलाक को यहाँ क्या बोलते हैं, छड़ दे, पंगवाल लोग तलाक को छड़ दे बोलते हैं। पंगवाल लोग तलाक को क्या बोलते हैं, छड़ दे, पंगवाल लोग तलाक को छड़ दे बोलते हैं। पंगवाल लोग क्या बोलते हैं, तलाक को छड़ दे बोला जाता है, पंगवालों में तलाक को छड़ दे कहा जाता है, पंगवालों में तलाक को क्या बोला जाता है, छड़ दे। फिर है चोरी, था क्या पहाड़ी गायें का संयोग से तैयार नई संकर प्रजाति को चोरी कहते हैं। जो चोरी है वो, सॉरी, याक और पहाड़ी गायें के संयोग से तैयार की गई संकर प्रजाति को चोरी कहते हैं। याक और पहाड़ी गायें के संयोग से, याक और पहाड़ी गायें के संयोग से तैयार की गई नई जो प्रजाति है उसको चोरी कहते हैं। फिर है मिंदलवासिनी देवी, पांगी में मिंदलवासिनी जो है सबसे बड़ी देवी है। किलाड़ जो पांगी का मुख्यालय है उससे 10 मील दूर चंद्रभागा चिनाब नदी के किनारे मिंदल गांव में इनका मंदिर है। पांगी में जो मिंदलवासिनी जो है सबसे बड़ी देवी है। किलाड़ जो पांगी का मुख्यालय है इससे 10 मील दूर चंद्रभागा चिनाब नदी के किनारे मिंदल गांव है, इनका मंदिर है। फिर है इस गांव में के लोग एक बैल से हल चलाते हैं, यहाँ कोई आदमी चारपाई पर नहीं सोता। तो बोला इस गांव में ना, जो मिंदल गांव है वहां पर जो लोग हैं वो एक बैल से हल चलाते हैं, और इस गांव में कोई भी व्यक्ति चारपाई पर नहीं सोता, चारपाई पर नहीं सोता कोई भी व्यक्ति इस गांव में, मिंदल गांव में। फिर है संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा यहाँ पंगवद और चुंडावद प्रथा से होता है। जो पंगवाल होते हैं पंगवालों में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, पंगवंद या फिर चुड़ावंद प्रथा से होता है। पंगवंद में एक पत्नी के सभी पुत्रों को जायदाद को बराबर बांटा जाता है। पंगवद में एक पत्नी के सभी पुत्रों में जायदाद को बराबर बांटा जाता है, जबकि चुंडावंद में जायदाद पहले पत्नियों में बराबर बांटी जाती है, फिर उनके अपने पुत्रों में बराबर बंटती है। फिर है भोजन त्योहार के व्यंजन, भोजन त्योहार के व्यंजन क्या है पंगवालों में, तो बोला है उनेस, मोदाज, लुची, बाकरू, बियर, कुरैन, ये सब त्योहार के व्यंजन है। उनेस, मोदाज, लुची, बाकरू, बियर, कुरोन। फिर है अराक, जौ की शराब, अराक बोलते हैं, जौ की शराब को अराक बोला जाता है पंगवालों में, जो जौ की शराब का सेवन किया जाता है उसको अराक बोलते हैं। फल हैं चीर, चूर, मीरी, थान, खोर, थांगी। फिर गहने, तो बुलॉक इसको बोलते हैं, नोजरिंग को बोलते हैं बुलॉक, बुलॉक है नोजरिंग, पंगवालों के गहने हैं बुलॉक, बुलॉक मतलब नोजरिंग, बुलॉक मतलब नोजरिंग। फरारू कान की बाली, फरारू कान की बाली, फरारू बोलते हैं पंगवाल, फरारू बोलते हैं कान की बाली को। और पंगवाल बुलॉक किसको बोलते हैं, नोजरिंग को बुलॉक बोलते हैं, नोजरिंग को बुलॉक बोलते हैं।
पंगवाल नोजरिंग को बुलोक बोलते हैं और कान की बाली को बोलते हैं फरारू। ब्राह्मण के प्रकार तो गोर ब्राह्मण क्या है, भिक्षा पर निर्भर। पंगवाल में जो गोर ब्राह्मण है वो भिक्षा पर निर्भर होते हैं, गोर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर, गोर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर। सुंगरिया जो ब्राह्मण है वो जन्म विवाह कराने वाले होते हैं, सुंगरिया सुंगरिया ब्राह्मण होते हैं जन्म विवाह कराने वाले। गोर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर, गोर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर, गोर ब्राह्मण है भिक्षा पर निर्भर, गोर ब्राह्मण किस पे, भिक्षा पर निर्भर है, गोर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर है। सुंगरिया ब्राह्मण जो है जन्म विवाह करवाने वाले होते हैं, सुंगरिया ब्राह्मण जन्म विवाह करवाने वाले हैं। कालिया ब्राह्मण मृत्यु कर्म कांड करवाने वाले हैं, कालिया ब्राह्मण जो है वो मृत्यु कर्म कांड कराने वाले हैं। सुंगरिया सुंगरिया ब्राह्मण है जन्म विवाह करवाने वाले हैं, सुंगरिया ब्राह्मण। गौर ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाले, गौर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर है, गौर ब्राह्मण भिक्षा पर निर्भर है। सुंगरिया ब्राह्मण जन्म और विवाह कराने वाले हैं, सुंगरिया ब्राह्मण सुंगरिया ब्राह्मण जन्म विवाह करवाने वाले, कालिया ब्राह्मण मृत्यु कर्मकांड कराने वाले। प्रथा के शिकवंदे मुंडन को बोलते हैं, किल्ला बोलते हैं, मुंडन वाले बालों को मिट्टी जमीन में दबाने की प्रथा को किल्ला बोला जाता है। शिकवंदे मुंडन को बोलते हैं, शिकवंदे मुंडन को बोलते हैं। पंगवाल शिकवंदे किसको बोलते हैं, मुंडन को। पंगवाल शिकवंदे बोलते हैं मुंडन को, पंगवाल बोलते हैं शिकवंदे मुंडन को बोलते हैं, पंगवाल शिकवंदे मुंडन को बोलते हैं, पंगवाल शिकवंदे। फिर उसके बाद बोला कि किल्ला क्या है, किल्ला है जो मुंडन के बाल है उसको मिट्टी में दबाने की प्रथा। जात्रा धार्मिक जात्रा है, लवान मार्च में होती है, उन्होनी और सैन्य अप्रैल में है, लवान मार्च में, उन्होनी और सैन्य अप्रैल में है। दरखान बारिया सावन में, फूल जात्रा कार्तिक में, फूल जात्रा कार्तिक में। मेले हैं थेने, पंगवालों का मेले हैं थेने अगस्त में, दिखरैन सावन में, प्रवाद सिसु नववर्ष का दिन है। पंगवालों का नववर्ष का दिन क्या है, सिसु सिसु प्रवाद सिसु, सिसु क्या है, नववर्ष का दिन है। तो पंगवालों के मेले क्या है, थेने थेने अगस्त में होता है, पंगवालों का मेला थेने अगस्त में, थेने कब होता है, अगस्त में, थेने अगस्त में होता है, थेने अगस्त में। फिर है दिखरेन, दिखरेन सावन में, दिखरेन सावन में, और प्रवाच फिर शिशु नववर्ष का दिन। किन्नौर के विषय में किस महाकाव्य में वर्णन है, महाभारत में किन्नौर के विषय में वर्णन है, महाभारत में किन्नौर के विषय में वर्णन है। सिरमौर और शिमला के कुछ परंपरागत परिवार अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, शाठा। सिरमौर और शिमला के कुछ परंपरागत परिवार अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, कौरवों का वंशज मानते हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में शाठा कहा जाता है, स्थानीय भाषा में शाठा बोला जाता है। पंगवाल जनजाति किस जिले में निवास करती है, चंबा में। पंगवाल जनजाति किस जिले में निवास करती है, चंबा में। हिमाचल प्रदेश की पुरानी जनजातियों को क्या कहते हैं, दस्यु। चंबा की भेड़ चराने वाली जनजाति को क्या कहते हैं, गद्दी। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में घूमने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है, गुज्जर। लाहौली लोग किस प्रजाति के हैं, मंगोलियड। लाहौली लोग किस प्रजाति के हैं, मंगोलियड के प्रजाति के हैं। लाहौली लोग किस प्रजाति के हैं, मंगोलियड प्रजाति के। लाहौली लोग किस प्रजाति के हैं, मंगोलियड के। गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं, चंबा भरमौर में। गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं, चंबा भरमौर में। गद्दी लोग किस जिले में पाए जाते हैं, चंबा भरमौर में। गद्दी जनजाति के लोग किस नदी की पूजा करते हैं, रावी नदी की। गद्दी जनजाति के लोग किस नदी की पूजा करते हैं, रावी नदी की। गद्दी जनजाति के लोग किस नदी की पूजा करते हैं, रावी नदी की। हिमाचल प्रदेश में गुजरों को मध्य एशिया की किस नस्ल से जोड़ा गया है, तो गुजरों को हूणों से जोड़ा गया है, हूणों से। फिर है चार बिशो, छह बिशी और बारह बिशी, 15 बिशी उपसमूह किस समुदाय से जुड़े हैं, किन्नर से। 12 बिशी, चार बिशी, छह बिशी, 12 बिशी, 15 बिशी। 4 बिशी, 6 बिशी, 12 बिशी, 15 बिशी किस समुदाय से जुड़े हैं, किन्नर से। चंबा की जनजातियां हैं गद्दी पंगवाल गुज्जर। चंबा की जनजातियां क्या हैं, गद्दी पंगवाल गुज्जर। चंबा की जनजातियां हैं गद्दी पंगवाल गुज्जर। लाहौल की जनजाति हैं स्वजाति विवाह और लाहौली जनजाति स्वजाति विवाह और बहुपति प्रथा को मानती है, स्वजाति विवाह और बहुपति प्रथा को मानती है लाहौल जनजाति। किन्नर जनजाति बहुपति प्रथा मानती है, बहुपति प्रथा को मानती है किन्नर जाति। प्राचीन समय में किन्नौरी क्षेत्र में, किन्नौर क्षेत्र में जनजाति को किस नाम से जाना जाता था, गंधर वगण को। प्राचीन समय में किन्नौर क्षेत्र की जनजाति को किस नाम से जाना जाता था, गंधर वगण के नाम से जाना जाता, गंधर वगण के नाम से।
गंधर वगण के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में किन्नौर क्षेत्र की जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था? गंधर्व वगण के नाम से। प्राचीन समय में किन्नौर क्षेत्र की जनजातियों को किस नाम से जाना जाता था? गंधर्व वगण के नाम से। गंधर्व वगण के नाम से प्राचीन समय में किन्नौर क्षेत्र की जनजातियों को जाना जाता था गंधर्व वगण के नाम से। हिमाचल प्रदेश की गद्दियों का जो कौन सा भाग यह दावा करता है कि उनके पूर्वज मुसलमानों के शुरू के आक्रमण के समय उत्पीड़न से बचने के लिए लाहौर से भाग आए थे? तो खत्री गद्दी जो है, खत्री गद्दी वो ये दावा करते हैं कि वो उनके जो पूर्वज है मुसलमानों के शुरू के आक्रमणों के समय के उत्पीड़न से बचने के लिए लाहौर से भाग आए थे। खूनू खंपा कहाँ पे होता है? खूनू खंपा कहाँ के निवासी माने जाते हैं? रामपुर बुशहर के। खूनू खंपा रामपुर बुशहर के। खूनू खंपा कहाँ के होते हैं? रामपुर बुशहर के। खूनू खंपा को रामपुर बुशहर का निवासी माना जाता है। खूनू खंपा रामपुर बुशहर। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं है? डूम जो है हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। भोट खंपा लांबा है। भोट खंपा लांबा जो है वो अनुसूचित जनजाति ST में आते हैं, भोट खंपा और लांबा। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है? तो कनेर जनजाति नहीं है, गद्दी पंगवाल किन्नर जनजाति है। गद्दी पंगवाल किन्नर क्या है? जनजाति है, और कनेर जनजाति नहीं है, गद्दी पंगवाल और किन्नर है। वर्तमान हिमाचल प्रदेश में गुज्जर निमन में से किसके वंशज हैं? हुनों के। हुनों के वंशज हैं। हिमाचल प्रदेश में निमन में से कौन सी जनजाति नहीं है? तो मीना जनजाति नहीं है, लंबाज स्वांगला जाड है। लंबाज और स्वांगला और जाट जो हैं वो ST हैं, जनजाति हैं। लंबाज स्वांगला और जाट और मीना नहीं है। इसके बाद देखते हैं हिमाचल की जनजातियों में कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है? तो गद्दी जनजाति सबसे प्रमुख है, हिमाचल की जनजातियों में सबसे प्रमुख है गद्दी। कालिदास ने अपनी पुस्तक कुमार संभव में किन वासियों का वर्णन किया है? किन्नर का। जीवन शैली की दृष्टिकोण से हिमाचल बसने वाली गद्दी किस जनसमूह के अंतर्गत आते हैं? तो अर्ध यायावर, अर्ध पशुपालक, अर्ध कृषक सभी के अंतर्गत आते हैं। गद्दी क्या है? अर्ध यायावर या घुमंतू चरवाहे। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश की जनजाति क्षेत्र नहीं है? तो सोलन नहीं है। इसके अलावा किन्नौर पांगी भरमौर जो है जनजातीय क्षेत्र है। किन्नौर पांगी भरमौर, किन्नौर पांगी भरमौर के जनजातीय क्षेत्र है। किन्नर के अर्थ क्या है? अश्वमुख वाले लोग। गुज्जर हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? घुमंतू जनजाति। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पंगवाल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पांगी क्षेत्र में पाई जाती है पंगवाल जनजाति। इसके बाद है लाहौल जनजाति किन जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है? आर्य और मंगोल से। लाहौल जनजाति किन किन जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है? आर्य और मंगोल से। गुज्जर जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय से संबंध रखती है। जो जाद या जाड़ है जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? हांगरांग में। जो जाड़ जनजाति है वो हांगरांग क्षेत्र में पाई जाती है। जाड़ जो है जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? हांगरांग में पाई जाती है। जाट जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं? बौद्ध से। जाट जो है वो किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं? बौद्ध से। जाट जो है किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखते हैं? बौद्ध से। जाट जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? बौद्ध से। जाट जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? बौद्ध से। जाट जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? बौद्ध से। गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? गद्दी हैं, खत्री के वंशज माने जाते हैं, इनमें से खत्री के वंशज माने जाते हैं। और जाट जनजाति हांगरांग में पाई जाती है और बौद्ध से यह है संबंध रखती है, बौद्ध धर्म से संबंध रखती है गद्दी खत्री के वंशज। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश के किन जिलों में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है? तो चंबा में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। गद्दी जो है जनजाति हिमाचल प्रदेश में किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? चंबा में पाई जाती है। पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं? भोट। पांगी में बसे जो तिब्बती लोग हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? भोट नाम से। पांगी में बसे तिब्बती लोग भोट नाम से जाने जाते हैं। पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं? भोट नाम से। फिर उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में के लाहौल जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? स्वांगला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? तो स्वांगला जनजाति रहती है चंद्रभागा के बगल में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? स्वांगला। हिमाचल
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा के बगल में कौन सी जनजाति रहती है? स्वांगला। हाटी समुदाय के लोग किस क्षेत्र के अनुसूचित दर्जे की मांग कर रहे हैं? सिरमौर में। हाटी समुदाय के लोग सिरमौर में अनुसूचित दर्जे की एसटी की मांग कर रहे हैं। सिरमौर में हाटी समुदाय के लोग अनुसूचित दर्जे की मांग कर रहे हैं।